नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है फैमिली एक डिल, और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2016 में रिलीज हुई फैमिली एक डिल सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है। ये अभिनेता एन टी किशन 25वीं फिल्म है। रामा राव जूनियर ये फिल्म लंदन और आधारित है। इसमें जगपति बाबू, राजेंद्र प्रसाद और रकुलप्रीत सिंह जैसे कलाकार शामिल हैं। देवी श्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया जबकि विजय सिंह चक्रवर्ती छायांकन संभाला और नवीन नूले ने फिल्म का संपादन किया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफ अगस्त 2015 में शुरू हुई और फिल्म सकल समीक्षा और बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ जनवरी 2016 में रिलीज हुई है। जिस बात यह है कि फिल्म की बात 2021 में बाजी शीर्षक की तरह बंगाली में बनाया गया था। फैमिली एक डील एक जिसे इसके मूल सुलेगु शीर्षक तन्नाकू प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको इससे पहले की कहानी नहीं है? ये एक व्यवसायी के बेटे अभिराम की कहानी है जिसे कृष्णामूर्ति कोटिला नाम के एक चालक व्यक्ति ने खुद दुखद रूप से खो दिया था। वर्षों बाद अपनी मृत्यु छाया पर अभिनेता के पिता के अतीत का खुलासा किया और अपने बेटे के भीतर प्रतिशोध का आग जलाया। हालांकि अभिनेता अभिराम अवधारण खेली हुई तुलना में अधिक विस्तृत योजना था। फिल्म बन सामने आती है जब अभिराम कृष्णामूर्ति दुनिया में घुसपैठ करता है। उनकी कहानी में भी उसे अंदर से नीचे ले जाते हैं। इन रोमांचक यात्रा संभावत धोखे रणनीति और शायद रोमांस का स्पर्श का स्वाम है जो अंतिम स्पर्श की ओर ले जाता है। अभिराम के लिए न्याय और व्यक्तिगत मुक्ति दोनों का वादा करता है। फैमिली एक डील की कहानी के केंद्र में अभिराम है जो अभी करिश्मा ही द्वारा निभाया गया है। एन टी रमन राव जूनियर प्रतिशोध की व्यायाम पे से बैकुल अभिराम एक क्रू व्यवसायी कृष्णामूर्ति कोटिल्लो द्वारा अपने परिवार पर एक किए गए अन्याय के लिए चन्याय की चाहता है जिसका किरदार अनुभवी अभिनेता जगपति बाबू ने निभाया है। कृष्णामूर्ति को बेटी दिग्गत के रूप में बिकुल सिंह के परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा दो हो गया है। उनकी उपस्थिति परिवराम के मिशन में एक प्रत्याशित और कृष्णमूर्ति कोटिल्लो के लिए और वे प्रफुल्ल सिंह के लिए परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा हो गया है। उनकी उपस्थिति अभिराम के मिशन एक प्रत्याशित मोड़ लाती है। क्या बुर्जी प्रेम पनपना और ये उनकी विस्तृत योजना का मोहन बन जाएगी? कलाकारों के प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद ने संभावित अभिराम के पिता की भूमिका निभाते हैं। उनकी पवित्र बदला लेने की साजिश के लिए प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अभिराम के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है और उसे अपने खतरनाक यात्रा भावनात्मक समर्थन का प्रदर्शन करता है। साथ में ये रातार नाटकीय कलाकार विश्वासघात प्रतिशोध और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की एक मनोरम खोज का वादा करता है। फैमिली एक डील जैसे तनाकू प्रमोथी के नाम से भी जाना जाता है बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुए। रिपोर्टों से पता चलता है कि फिल्म ने दुनिया भर में मानोमानी 82 करोड़ की कमाई की जो 2016 के विनिमय दरों के आधार पर लगभग 10.6 मिलियन की। इस प्रभावशाली आंकड़े को संभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आगे अपने क्षेत्रों में एक मजबूत प्रदर्शन के बल मिला जहां फिल्म ने कथित तौर पर 50 मिलियन के सफल थिएटर प्रदर्शन का आनंद लिया। सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत ने भी संभावित फिल्म की समग्र सफलता के आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई। हालांकि इस समय क्षेत्र या सप्ताह के अनुसार विशिष्ट विवरण माया भी हो सकता है। यह उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि फैमिली एक डील एक लाभदायक उद्यम था जो दर्शकों और आलोचनात्मकों को समान रूप से संपत आया। बारिश खिड़की से सोसे की टकराव के उमिलों के मन में चल रहे तूफान को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसका फोन काफी टेबल और अंधे मुंह भरा था। एक अधिसूचना किसी नाताने बाने भूत की तरह उसका मजाक उड़ा रही थी। समय लिखा था तुम्हारे बारे में मोच रहा हूँ मैंने बाद एक एकल शरारती मोजी एक आँख मारती हुई बिल्ली आई प्रेषक एथन वो रस्म अजनबी जिसका मुलाकात एक सप्ताह पहले एक पथरीली सड़क पर थी चिताओं की दुकान पर पड़ी थी। एक आकस्मिक मुलाकात थी जिसे पहले सकारात्मक के लिए एक बाज साझा प्यार था जिन्होंने एक साथ खोजना था। वो लंबा था उसकी आंखें दूर की आकांक्षाओं के रहस्यों के छिपाने थी और उसकी मुलाकात ग्लोसियारों की पिघलने वाली थी। उनकी बातचीत एक घिसे पीटे राग की तरह सजिता से प्रभावित हुई थी जिसमें मुझे उसके दर्शन के लिए के प्रेमियन छिपे हुए पे खोजने के लिए संभावित दशाओं की कुछ शामिल था। एक भविष्य की यात्रा उन्होंने संकेत दिया था उसने सपना मंबर राफिस हदीस पर लिखा गया था। उसने आंख मारी उसकी निगाहों में एक चंचल चमक थी। तब से संबंध सूचीबद्ध के दैनिक पटना पर बन गई थी। एक शाम एक नया संदेश आया था जो बुद्धि कविता और कभी कभी बस एक साधारण प्रश्न से भरा हुआ था जो उसके सतीत्व के मूल में छेद कर दिया था। उसके अपने देखने के अपने प्यार के बारे में बात की ऐसे ही खोज की उसने कभी कभी साथ साझा की नहीं थी। फिर भी किसी तरह से उसे अज्ञात इकाई को प्रकट करने में मजबूत करती थी। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी जोन वाली अमलिया ने खुद को इन
डिजिटल एक्सपोजर की वक्त को आया है। उन्हें दिन संदेहों का इंतजार करने में बीते थे। उनकी सामने मजाकिया और जवाब मारने की गति शोध थे, लेकिन एक भयानक संदेह था जिसमें चुप होने इस इनकार कर दिया। एथन ने अपने जेट सेटिंग जीवन शैली के बारे में बात की। उनका अलग समय हमेशा अज्ञात था। हर बार जब वो विशिष्ट बातें के लिए दबाव डालती थी तो वो एक ग्रह मजाक का या विषय के बदलाव करने के बाद टाल देता था। उनकी बातचीत टेक्स्ट तक ही सीमित थी, कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो चैट नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये सावधानी से बनाया गया मनचित नाटक है और इसे डल लगता लगा कि वो अकेला बिना समझे दर्शक था। हालांकि आज रात बारिश ने प्रेरक का काम किया। वो इस दिल में चल रहे तूफान आशा और संदेह के बीच की लड़ाई का निशाना था। उसके दिमाग पर एथन की छबिया उभरती। रोम के एक कैफे के हंसा शाम के समय के कबील टावर की रेखांचित बनाना, नेपाल में एक बर्बत की चोटी के सूर्योदय देखना, हर गुजरते पल के साथ प्रत्येक छवि अधिक वास्तविक, अधिक सजल और फिर भी अधिक दूर महसूस हुई। अपने फोन उपकरण उसने एक संदेह टाइप किया। शब्द स्पष्टता के लिए एक सजगता अनुरोध था। जिथन, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो? प्रतीका, तुम्हारे तीव्र और परेशान करने वाली आई, तुम मुझे कहाँ रखना चाहते हो? अमेलिया, तुम मुझे कौन चाहती हो? यह गलत उत्तर था। अमेलिया की हड्डियों में एक ठंडा भय समा गया। वो उसकी इच्छा, उसकी गहरी चाहतों को तो था, लेकिन कुछ भी उठोट नहीं था। टाइप करते समय उनकी उंगलियों कांपने लगी। ये काम नहीं कर रहे थे। अथन, मुझे अपना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन बारे में अपने खालीपन से उसका मजाक उड़ा गया। मिनट घंटों के बदल गए, फिर भी कोई जवाब नहीं। संदेह एकदम घुटने वाली निश्चितता से बदल गया। एक असली नहीं था, एक बहु चेष्टा थे, उसकी कल्पना का एक रूप, अकेलेपन के संबंध की चाहत से प्रेरित। अमूल्या की आंखों में आंसू आ गए, इसके स्क्रीन धुंधली हो गई। क्या वो प्यार के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने हवा में बना दिया? लेकिन नोटिफिकेशन बार में झिलमिलाहट ने उसकी नज़र पकड़ ली। एक नया संदेश, जैसे इसी उसने उसे खोला, उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। नए की पथिर सी देनदार चाहिए दौर पर उनके ले गई। उसने एक आमदनी बिठाई जो एक पहाड़ी की चोटी पर रखा था। उन्होंने भुजाएं आसमान की और फैली हुई थी और फोर की पहली किरण शीत के उग्र रंगों के रंगा हुआ था। नीचे कैप्शन में लिखा था कि मनगरण सपनों की दुख सपनों की शक्ति के। अमेलिया, क्या आप सहमत नहीं हैं? तस्वीर ने कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने अमेलिया के भीतर आशा की एक छोटी सी चिंगारी जगा दी। अकेलेपन दूर नहीं हुआ था, लेकिन अब ये सब खत्म करने वाला नहीं था। याद सतन थे, वास्तविकता काल्पनिक, उसे चाहत चाहनों की सुंदरता का सराहना करने का एक तरीका दिखाया था। शायद इतना ही काफ़ी था। अगली सुबह अमेलिया एक नए संदेह के साथ उठी। एंड फिल्म के एक किताबों की दुकान है जो हर शनिवार को कविता पाठ के आयोजित करता है। शायद ही किसी दिन संदेश अधूरा बन रहा था, मिशन की तरह हवा में लटक गया। अमेलिया मुस्कुराई, उस संकेत मन में एक नया दृढ़ संकल्प घर कर गया था। शायद भविष्य उल्लोक्य था, अमेरिकी मुठभेड़ और डिजिटल सपनों के लिए खुला था। शायद यही इसकी खूबसूरती थी। उसने अपना कोट पकड़ा, एक बहाव के नीचे एक किताब वहीं धोई थी। बारिश रुक गई थी और अपने पीछे एक साफ संदूरी और जीवन दुनिया छोड़ गई थी। आज अमेलिया किसी संदेह का इंतजार कर रहे होंगे, आज अपने दुखद की कहानी बनाएंगे। आओ, जो वास्तविक किताबों की दुकानों, कविता की रातों और शायद इसके संदेहों के मौजूद व्यक्ति जैसे रहस्यमय और दिलचस्प व्यक्ति थे के साथ मौका मुठभेड़ से भरी होगी। आखिरकार कभी कभी मुझे संदेह भी आपको उस स्थान पर ले जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप वहां पहुंच जाएंगे। वास्तविक प्रेम का स्वर्ग उनकी प्रेम कहानी कोई अब इशारों के से भरा हो तूफानों के रोमांस नहीं था। ये एक धीमी जलन थी, एक निरंतर जलन जो हरी चीज़ों पर नज़र साथ मजबूत हो गया। हर साझा रहस्य किताबों के खिड़की के नीचे फुसफुसा है। उसने एक दूसरी के आत्मा के सांत्वना मिली। पहले ही दो टुकड़े अंतत अपने लिए उत्सुक हो गया था। शायद स्तुति के मामले में सुबह हाइड्रेक पार्क की जीवंत व्यक्तियों से सीरा एथन माया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान था, उसे विकसित शब्दों के आशा वक्ता नहीं था। उनके हाथ में सनसेट फॉर्म के पुर्तगालों की घिसी पीटी प्रति बहुत कुछ कहती थी। उनके पन्ने पे बाहर निकालते हुए उनके एक काजल निकाला, उसने हाथ साथ लिखी एक कविता। उनकी प्रेम कहानी एक भव्य अंत वाली परी कथा नहीं थी, और ये चोरी की नज़रों में फुसफुसाए हुआ वादा था। उनके दिलों में तारों बजाए एक किस्मती थी। यह कविता की भाषा में लिखी गई एक प्रेम कहानी थी जो शांत क्षणों के साझा किए गए सपनों के और बहुल कहने के अनकहे शब्दों में बाई जाने वाली सुंदरता का प्रमाण था।
साल बीत गए, उनके यार उनके जीवन में निरंतर मौजूद था। उनका छोटा सा अपार्टमेंट कविता संग्रह से भरी किताबों की अलमारियों से भर गया। हर एक स्मृति एक साझा पल की पुष्पसाहट थी। उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा मिली। उन्हें शब्द उस प्यार की प्रतिध्वनि थे। लेनदेन के किताब की दुकान में पनपता था। एक शाम जब उन्हें एक सहेली थी, लेनदेन के हाथ में नहीं किताब थी, उनकी माया की और देखा, उसकी मुस्कुराह हंसी और प्यार की रेखाओं से गई थी। उनकी वो कविता पढ़ी जो उसने अपनी शादी के दिन लिखी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। भीड़ में कैफे चुराई निगाहों की हुई एक पार्क की फुसफुसाती बातचीत के भरी हुई थी। एथन एक प्रभावशाली फोटोग्राफर ने दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए सुंदरता ढूंढ ली। माया एक उभरती लेखिका ने अपना दिल पन्ने पर ढेल दिया। उसने शब्द कच्ची ईमानदारी से जुड़ गए थे। उन्हें इसके सीमारी को आवश्यकता नहीं थी। उनका प्यार कविता जो को नजर जोड़ जोड़ सकते साझा चुम्मी के खिल उठा। उनकी आवाज़ें धमनाओं की एक काशिदकारी बन गई थी। श्रीराम कृष्णमूर्ति दुनिया में घुसपैठ करता है, संभावत उनकी कहानी में भी उसे अंदर से नीचे ले जाते हैं। इन रोमांचक यात्रा संभावत धोखे रणनीति और शायद रोमांस का स्पर्श का स्वाम है जो अंतिम स्पर्श की ओर ले जाता है। अभिराम के लिए न्याय और व्यक्तिगत मुक्ति दोनों का वादा करता है। फैमिली एक डील की कहानी के केंद्र में अभिराम है जो अभी करिश्मा ही द्वारा निभाया गया है। एल टी रमनराव जूनियर प्रतिशोध की व्यायाम पे से बैकुल अभिराम एक क्रू व्यवसायी कृष्णमूर्ति कोटिल्लो द्वारा अपने परिवार पर एक किए गए अन्याय के लिए चेन्नई की चाहता है, जिसका किरदार अनुभवी अभिनेता जगपति बाबू ने निभाया है। कृष्णमूर्ति को बेटी दिग्गत के रूप में बिकुल सिंह के परिचय के साथ कथानक और अंगारा दो हो गया है। उनकी उपस्थिति परिवराम के मिशन में एक प्रत्याशित और कृष्णमूर्ति कोटिल्लो के लिए और वे प्रफुल्ल सिंह के लिए परिचय के साथ कथानक और अंगारा हो गया है। उनकी उपस्थिति अभिराम के मिशन एक प्रत्याशित मोड़ लाती है। क्या बुर्जी प्रेम पनपना और ये उनकी विस्तृत योजना का मोहन बन जाएगी? कलाकारों के प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद ने संभावित अभिराम के पिता की भूमिका निभाते हैं। उनकी पवित्र बदला लेने की साजिश के लिए प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अभिराम के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है और उसे अपने खतरनाक यात्रा भावनात्मक समर्थन का प्रदर्शन करता है। साथ में ये रातार नाटकीय कलाकार विश्वासघात प्रतिशोध और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की एक मनोरम खोज का वादा करता है। फैमिली एक डील जैसे तनाकू प्रमोथी के नाम से भी जाना जाता है, बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुए। रिपोर्टों से पता चलता है कि फिल्म ने दुनिया भर में मानोमानी 82 करोड़ की कमाई की, जो 2016 के विनिमय दरों के आधार पर लगभग 10.6 मिलियन की। इस प्रभावशाली आंकड़े को संभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आगे अपने क्षेत्रों में एक मजबूत प्रदर्शन के बल मिला, जहां फिल्म ने कथित तौर पर 50 मिलियन के सफल थिएटर प्रदर्शन का आनंद लिया। सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत ने भी संभावित फिल्म की समग्र सफलता के आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई। हालांकि इस समय क्षेत्र या सप्ताह के अनुसार विशिष्ट विवरण माया भी हो सकता है। यह उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि फैमिली एक डील एक लाभदायक उद्यम था जो दर्शकों और आलोचनात्मकों को समान रूप से संपत आया। बारिश खिड़की से शोशे की टकराव के उमिलों के मन में चल रहे तूफान को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसका फोन काफी टेबल और अंधे मुंह भरा था। एक अधिसूचना किसी नाताने बाने भूत की तरह उसका मजाक उड़ा रही थी। समय लिखा था, तुम्हारे बारे में मोच रहा हूँ मैंने, बाद एक एकल शरारती मोजी एक आँख मारती हुई बिल्ली आई। प्रेषक एथन वो रस्म अजनबी जिसका मुलाकात एक सप्ताह पहले एक पथरीली सड़क पर थील चिताबों की दुकान पर पड़ी थी। एक आकस्मिक मुलाकात थी जिसे पहले सकारात्मक के लिए एक बाज साझा प्यार था जिन्होंने एक साथ खोजना था। वो लंबा था, उसकी आंखें दूर की आकांक्षाओं के रहस्यों के छिपाने थी और उसकी मुलाकात ग्लोसियारों की पिघलने वाली थी। उनकी बातचीत एक घिसे पीटे राग की तरह सजता से प्रभावित हुई थी, जिसमें वर्जस के दर्शन के लेकर प्रेम छिपे हुए पे खोजने के लिए संभावित दशाओं की कुछ शामिल था। एक भविष्य की यात्रा उन्होंने संकेत दिया था, उसने सपना मंबर राफिस हदीस पर लिखा गया था। उसने आंख मारी, उसकी निगाहों में एक चंचल चमक थी। तब से संबंध सूचीबद्ध के दैनिक पटना पर बन गई थी। एक शाम एक नया संदेश आया था जो बुद्धि कविता और कभी कभी बस एक साधारण प्रश्न से भरा हुआ था जो उसके सतीत्व के मूल में छेद कर दिया था। उसके अपने देखने के अपने प्यार के बारे में बात की, ऐसे ही खोज की उसने कभी कभी साथ साझा की नहीं थी। फिर भी किसी तरह से उसे अज्ञात इकाई को प्रकट करने में मजबूत करती थी। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी जोन वाली अमलिया ने खुद को इन
डिजिटल एक्सपोजर की वक्त को आया है। उन्हें दिन संदेहों का इंतजार करने में बीते थे। उनकी सामने मजाकिया और जवाब मारने की गति शोध थे, लेकिन एक भयानक संदेह था जिसने चुप होने इस इनकार कर दिया। एथन ने अपने जेट सेटिंग जीवन शैली के बारे में बात की। उनका अलग समय हमेशा अज्ञात था। हर बार जब वो विशिष्ट बातें के लिए दबाव डालती थी तो वो एक ग्रह मजाक का या विषय के बदलाव करने के बाद टाल देता था। उनकी बातचीत टेक्स्ट तक ही सीमित थी, कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो चैट नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये सावधानी से बनाया गया मनचित नाटक है और इसे डल लगता लगा कि वो अकेला बिना समझे दर्शक था। हालांकि आज रात बारिश ने प्रेरक का काम किया। वो इस दिल में चल रहे तूफान आशा और संदेह के बीच की लड़ाई का निशाना था। उसके दिमाग पर एथन की छबिया उभरती। रोम के एक कैफे के हंसा शाम के समय के कबील टावर की रेखांचित बनाना, नेपाल में एक बर्बत की चोटी के सूर्योदय देखना, हर गुजरते पल के साथ प्रत्येक छवि अधिक वास्तविक, अधिक सजल और फिर भी अधिक दूर महसूस हुई। अपने फोन उपकरण उसने एक संदेह टाइप किया। शब्द स्पष्टता के लिए एक सजगता अनुरोध था। जिथन, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो? प्रतीका, तुम्हारे तीव्र और परेशान करने वाली आई, तुम मुझे कहाँ रखना चाहते हो? अमिलिया, तुम मुझे कौन चाहती हो? यह गलत उत्तर था। अमिलिया की हड्डियों में एक ठंडा भय समा गया। वो उसकी इच्छा, उसकी गहरी चाहतों को तो था, लेकिन कुछ भी उठोट नहीं था। टाइप करते समय उनकी उंगलियों कांपने लगी। ये काम नहीं कर रहे थे। अथन, मुझे अपना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन बारे में अपने खालीपन से उसका मजाक उड़ा गया। मिनट घंटों के बदल गए, फिर भी कोई जवाब नहीं। संदेह एकदम घुटने वाली निश्चितता से बदल गया। एक असली नहीं था, एक बहु चेतना थे, उसकी कल्पना का एक रूप, अकेलेपन के संबंध की चाहत से प्रेरित। अमूल्या की आंखों में आंसू आ गए, इसके स्क्रीन धुंधली हो गई। क्या वो प्यार के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने हवा में बना दिया? लेकिन नोटिफिकेशन बार में झिलमिलाहट ने उसकी नज़र पकड़ ली। एक नया संदेश, जैसे इसी उसने उसे खोला, उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। नए की पथिर सी देनदार चाहिए दौर पर उनके ले गई। उसने एक आमदनी बिठाई जो एक पहाड़ी की चोटी पर रखा था। उन्होंने भुजाएं आसमान की और फैली हुई थी और फोर की पहली किरण शीत के उग्र रंगों के रंगा हुआ था। नीचे कैप्शन में लिखा था कि मनगरण सपनों की दुख सपनों की शक्ति के। अमिलिया, क्या आप सहमत नहीं हैं? तस्वीर ने कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने अमिलिया के भीतर आशा की एक छोटी सी चिंगारी जगा दी। अकेलेपन दूर नहीं हुआ था, लेकिन अब ये सब खत्म करने वाला नहीं था। याद सतन थे वास्तविकता काल्पनिक, उसे चाहत चाहनों की सुंदरता का सराहना करने का एक तरीका दिखाया था। शायद इतना ही काफ़ी था। अगली सुबह अमिलिया एक नए संदेह के साथ उठी। एंड फिल्म के एक किताबों की दुकान है जो हर शनिवार को कविता पाठ के आयोजित करता है। शायद ही किसी दिन संदेश अधूरा बन रहा था, मिशन की तरह हवा में लटक गया। अमिलिया मुस्कुराई, संकेत मन में एक नया दृढ़ संकल्प घर कर गया था। शायद भविष्य उल्लोख्य था, मुठभेड़ और डिजिटल सपनों के लिए खुला था। शायद यही इसकी खूबसूरती थी। उसने अपना कोट पकड़ा, एक बहाव के नीचे एक किताब वहीं धोई थी। बारिश रुक गई थी और अपने पीछे एक साफ संदूरी और जीवन दुनिया छोड़ गई थी। आज अमिलिया किसी संदेह का इंतजार कर रहे होंगे, आज अपने दुखद की कहानी बनाएंगे। आओ, जो वास्तविक किताबों की दुकानों, कविता की रातों और शायद इसके संदेहों के मौजूद व्यक्ति जैसे रहस्यमय और दिलचस्प व्यक्ति थे के साथ मौका मुठभेड़ से भरी होगी। आखिरकार कभी कभी मुझे संदेह भी आपको उस स्थान पर ले जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप वहां पहुंच जाएंगे। वास्तविक प्रेम का स्वर्ग उनकी प्रेम कहानी कोई अबो इशारों के से भरा हो तूफानों के रोमांस नहीं था। यह एक धीमी जलन थी, एक निरंतर जलन जो हरी चीज़ों पर नज़र साथ मजबूत हो गया। हर साझा रहस्य किताबों के खिड़की के नीचे फुसफुसा है। उसने एक दूसरी के आत्मा के सांत्वना मिली। पहले ही दो टुकड़े अंतत अपने लिए उत्सुक हो गया था। शायद स्तुति के मामले में सुबह हाइड्रेक पार्क की जीवंत व्यक्तियों से सीरा एथन माया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान था, उसे विकसित शब्दों के आशा वक्ता नहीं था। उनके हाथ में सनसेट फॉर्म के पुर्तगालों की घिसी पीटी प्रति बहुत कुछ कहती थी। उनके पन्ने पे बाहर निकालते हुए उनके एक काजल निकाला, उसके हाथ साथ लिखी एक कविता, उनकी प्रेम कहानी एक भव्य अंत वाली परी कथा नहीं थी। और ये चोरी की नज़रों में फुसफुसाए हुआ वादा था, उनके दिलों में तारों बजाए एक किस्मती थी। यह कविता की भाषा में लिखी गई एक प्रेम कहानी थी जो शांत क्षणों के साझा किए गए सपनों के और बहुल कहने के अनकहे शब्दों में बाई जाने वाली सुंदरता का प्रमाण था।
साल बीत गए, उनके यार उनके जीवन में निरंतर मौजूद था। उनका छोटा सा अपार्टमेंट कविता संग्रह से भरी किताबों की अलमारियों से भर गया। हर एक स्मृति एक साझा पल की पुष्पसाहट थी। उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा मिली। उन्हें शब्द उस प्यार की प्रतिध्वनि थे। लेनदेन के किताब की दुकान में पनपता था। एक शाम जब उन्हें एक सहेली थी, लेनदेन के हाथ में नहीं किताब थी, उनकी माया की और देखा, उसकी मुस्कुराह हंसी और प्यार की रेखाओं से गई थी। उनकी वो कविता पढ़ी जो उसने अपनी शादी के दिन लिखी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। भीड़ में कैफे चुराई निगाहों की हुई एक पार्क की फुसफुसाती बातचीत के भरी हुई थी। एथन एक प्रभावशाली फोटोग्राफर ने दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए सुंदरता ढूंढ ली। माया एक उभरती लेखिका ने अपना दिल पन्ने पर ढेल दिया। उसने शब्द कच्ची ईमानदारी से जुड़ गए थे। उन्हें इसके सिमारी को आवश्यकता नहीं थी। उनका प्यार कविता जो को नजर जोड़ जोड़ सकते साझा चुम्मी के खिल उठा। उनकी आवाज़ें धमनाओं की एक काशिदकारी बन गई थी। श्रीराम कृष्णमूर्ति दुनिया में घुसपैठ करता है, संभावत उनकी कहानी में भी उसे अंदर से नीचे ले जाते हैं। इन रोमांचक यात्रा संभावत धोखे रणनीति और शायद रोमांस का स्पर्श का स्वाम है जो अंतिम स्पर्श की ओर ले जाता है। अभिराम के लिए न्याय और व्यक्तिगत मुक्ति दोनों का वादा करता है। फैमिली एक डील की कहानी के केंद्र में अभिराम है जो अभी करिश्मा ही द्वारा निभाया गया है। एंटी रमनराव जूनियर प्रतिशोध की व्यायाम पे से बैकुल अभिराम एक क्रू व्यवसायी कृष्णमूर्ति कोटिल्लो द्वारा अपने परिवार पर एक किए गए अन्याय के लिए चेन्नई की चाहता है, जिसका किरदार अनुभवी अभिनेता जगपति बाबू ने निभाया है। कृष्णमूर्ति को बेटी दिग्गत के रूप में बिकुल सिंह के परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा दो हो गया है। उनकी उपस्थिति परिवराम के मिशन में एक प्रत्याशित और कृष्णमूर्ति कोटिल्लो के लिए और वे प्रफुल्ल सिंह के लिए परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा हो गया है। उनकी उपस्थिति अभिराम के मिशन एक प्रत्याशित मोड़ लाती है। क्या बुर्जी प्रेम पनपना और ये उनकी विस्तृत योजना का मोहन बन जाएगी? कलाकारों के प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद ने संभावित अभिराम के पिता की भूमिका निभाते हैं। उनकी पवित्र बदला लेने की साजिश के लिए प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अभिराम के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है और उसे अपने खतरनाक यात्रा भावनात्मक समर्थन का प्रदर्शन करता है। साथ में ये रातार नाटकीय कलाकार विश्वासघात प्रतिशोध और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की एक मनोरम खोज का वादा करता है। फैमिली एक डील जैसे तनाकू प्रमोथी के नाम से भी जाना जाता है बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुए। रिपोर्टों से पता चलता है कि फिल्म ने दुनिया भर में मानोमानी 82 करोड़ की कमाई की, जो 2016 के विनिमय दरों के आधार पर लगभग 10.6 मिलियन की। इस प्रभावशाली आंकड़े को संभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आगे अपने क्षेत्रों में एक मजबूत प्रदर्शन के बल मिला, जहां फिल्म ने कथित तौर पर 50 मिलियन के सफल थिएटर प्रदर्शन का आनंद लिया। सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत ने भी संभावित फिल्म की समग्र सफलता के आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई। हालांकि इस समय क्षेत्र या सप्ताह के अनुसार विशिष्ट विवरण माया भी हो सकता है। यह उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि फैमिली एक डील एक लाभदायक उद्यम था जो दर्शकों और आलोचनात्मकों को समान रूप से संपत आया। बारिश खिड़की से शोशे की टकराव के उमिलों के मन में चल रहे तूफान को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसका फोन काफी टेबल और अंधे मुंह भरा था। एक अधिसूचना किसी नाताने बाने भूत की तरह उसका मजाक उड़ा रही थी। समय लिखा था तुम्हारे बारे में मोच रहा हूँ मैंने बाद एक एकल शरारती मोजी एक आँख मारती हुई बिल्ली आई प्रेषक एथन वो रस्म अजनबी जिसका मुलाकात एक सप्ताह पहले एक पथरीली सड़क पर थील चिताबों की दुकान पर पड़ी थी। एक आकस्मिक मुलाकात थी जिसे पहले सकारात्मक के लिए एक बाज साझा प्यार था जिन्होंने एक साथ खोजना था। वो लंबा था, उसकी आंखें दूर की आकांक्षाओं के रहस्यों के छिपाने थी और उसकी मुलाकात ग्लोसियारों की पिघलने वाली थी। उनकी बातचीत एक घिसे पीटे राग की तरह सजिता से प्रभावित हुई थी जिसमें ऊर्जस के दर्शन के लिए के प्रेमियन छिपे हुए पे खोजने के लिए संभावित दशाओं की कुछ शामिल था। एक भविष्य की यात्रा उन्होंने संकेत दिया था। उसने सपना मंबर राफिस हदीस पर लिखा गया था। उसने आंख मारी, उसकी निगाहों में एक चंचल चमक थी। तब से संबंध सूचीबद्ध के दैनिक पटना पर बन गई थी। एक शाम एक नया संदेश आया था जो बुद्धि कविता और कभी कभी बस एक साधारण प्रश्न से भरा हुआ था जो उसके अस्तित्व के मूल में छेद कर दिया था। उसके अपने देखने के अपने प्यार के बारे में बात की ऐसे ही खोज की उसने कभी कभी साथ साझा की नहीं थी। फिर भी किसी तरह से उसे अज्ञात इकाई को प्रकट करने में मजबूत करती थी। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी जोन वाली अमलिया ने खुद को इन डिजिटल एक्सपोजर की वक्त गाया।
उन्हें दिन संदेहों का इंतजार करने में बीते थे। उनकी सामने मजाकिया और जवाब मारने की गति शोध थे, लेकिन एक भयानक संदेह था जिसने चुप होने इस इनकार कर दिया। एथन ने अपने जेट सेटिंग जीवन शैली के बारे में बात की। उनका अलग संभव हमेशा अज्ञात था। हर बार जब वो विशिष्ट बातें के लिए दबाव डालती थी तो वो एक ग्रह मजाक का या विषय के बदलाव करने के बाद टाल देता था। उनकी बातचीत टेक्स्ट तक ही सीमित थी, कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो चैट नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये सावधानी से बनाया गया मंचित नाटक है और इसे डल लगता लगा कि वो अकेला बिना समझे दर्शक था। हालांकि आज रात बारिश ने प्रेरक का काम किया। वो इस दिल में चल रहे तूफान आशा और संदेह के बीच की लड़ाई का निशाना था। उसके दिमाग पर एथन की छबियां उभरती। रोम के एक कैफे के हंसा शाम के समय के कबील टावर की रेखांचित बनाना, नेपाल में एक बर्बत की चोटी के सूर्योदय देखना, हर गुजरते पल के साथ प्रत्येक छवि अधिक वास्तविक, अधिक सजल और फिर भी अधिक दूर महसूस हुई। अपने फोन उपकरण उसने एक संदेह टाइप किया। शब्द स्पष्टता के लिए एक सजगता अनुरोध था। जिथन, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो? प्रतीका, तुम्हारे तीव्र और परेशान करने वाली आई, तुम मुझे कहाँ रखना चाहते हो? अमेलिया, तुम मुझे कौन चाहती हो? यह गलत उत्तर था। अमेलिया की हड्डियों में एक ठंडा भय सभा गया। उसकी इच्छा, उसकी गहरी चाहतों को तो था, लेकिन कुछ भी उठोट नहीं था। टाइप करने समय उनकी उंगलियों कांपने लगी। ये काम नहीं कर रहे थे। अथन, मुझे अपना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन बारे में अपने खालीपन से उसका मजाक उड़ा गया। मिनट घंटों के बदल गए, फिर भी कोई जवाब नहीं। संदेह एकदम घुटने वाली निश्चितता से बदल गया। एक असली नहीं था, एक बहु चेचना थे, उसकी कल्पना का एक रूप। अकेलेपन के संबंध की चाहत से प्रेरित अमूल्या की आंखों में आंसू आ गए। इसके स्क्रीन धुंधली हो गई। क्या वो प्यार के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने हवा में बना दिया? लेकिन नोटिफिकेशन बार में झिलमिलाहट ने उसकी नज़र पकड़ ली। एक नया संदेश, जैसे इसी उसने उसे खोला। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। नए की तीर से देनदार चाहिए दौर पर उनके ले गई। उसने एक आमदनी बिठाई जो एक पहाड़ी की चोटी पर रखा था। उन्होंने भुजाएं आसमान की और फैली हुई थी और फोर की पहली किरण शीत के उग्र रंगों के रंगा हुआ था। नीचे कैप्शन में लिखा था कि मनगढ़ंत सपनों की दुख, सपनों की शक्ति की। अमेलिया, क्या आप सहमत नहीं हैं? तस्वीर ने कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने अमेलिया के भीतर आशा की एक छोटी सी चिंगारी जगा दी। अकेलेपन दूर नहीं हुआ था, लेकिन अब ये सब खत्म करने वाला नहीं था। याद सतन थे, वास्तविकता काल्पनिक। उसे चाहत चाहनों की सुंदरता का सराहना करने का एक तरीका दिखाया था। शायद इतना ही काफ़ी था। अगली सुबह अमेलिया एक नए संदेह के साथ उठी। एंड फिल्म के एक किताबों की दुकान है जो हर शनिवार को कविता पाठ के आयोजित करता है। शायद ही किसी दिन संदेश अधूरा बन रहा था, मिशन की तरह हवा में लटक गया। अमेलिया मुस्कुराई। उस संकेत मन में एक नया दृढ़ संकल्प घर कर गया था। शायद भविष्य उल्लोक्य था, मुठभेड़ और डिजिटल सपनों के लिए खुला था। शायद यही इसकी खूबसूरती थी। उसने अपना कोट पकड़ा। एक बहाव के नीचे एक किताब वहीं धुई थी। बारिश रुक गई थी और अपने पीछे एक साफ संदूरी और जीवन दुनिया छोड़ गई थी। आज अमेलिया किसी संदेह का इंतजार कर रहे होंगे। आज अपने दुखद की कहानी बनाएंगे और जो वास्तविक किताबों की दुकानों, कविता की यातों और शायद इसके संदेहों के मौजूद व्यक्ति जैसे रहस्यमय और दिलचस्प व्यक्ति थे के साथ मौका मुठभेड़ से भरी होगी। आखिरकार कभी कभी मुझे संदेह भी आपको उस स्थान पर ले जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप वहां पहुंच जाएंगे। वास्तविक प्रेम का स्वर्ग उनकी प्रेम कहानी कोई अबो इशारों के से भरा हो तूफानों के रोमांस नहीं था। ये एक धीमी जलन थी, एक निरंतर जलन जो हरी चीज़ों पर नज़र साथ मजबूत हो गया। हर साझा रहस्य किताबों के खिड़की के नीचे फुसफुसा है। उसने एक दूसरी के आत्मा के सांत्वना मिली। पहले ही दो टुकड़े अंतत अपने लिए उत्सुक हो गया था। शायद स्तुति के मामले में सुबह हाइड्रेक पार्क की जीवंत व्यक्तियों से सीरा एथन माया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान था। उसे विकसित शब्दों के आशा वक्ता नहीं था। उनके हाथ में सनसेट फॉर्म के पुर्तगालों की घिसी पीटी प्रति बहुत कुछ कहती थी। उनके पन्ने पे बाहर निकालते हुए उनके एक काजल निकाला। उसने हाथ साथ लिखी एक कविता, उनकी प्रेम कहानी एक भव्य अंत वाली परी कथा नहीं थी, और ये चोरी की नज़रों में फुसफुसाए हुआ वादा था। उनके दिलों में तारों बजाय एक किस्मती थी। यह कविता की भाषा में लिखी गई एक प्रेम कहानी थी जो शांत क्षणों के साझा किए गए सपनों के और बहुल कहने के अनकहे शब्दों में बाई जाने वाली सुंदरता का प्रमाण था।
साल बीत गए, उनके यार उनके जीवन में निरंतर मौजूद था। उनका छोटा सा अपार्टमेंट कविता संग्रह से भरी किताबों की अलमारियों से भर गया। हर एक स्मृति एक साझा पल की पुष्पसाहट थी। उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा मिली। उन्हें शब्द उस प्यार की प्रतिध्वनि थे। लेनदेन के किताब की दुकान में पनपता था। एक शाम जब उन्हें एक सहेली थी, लेनदेन के हाथ में नहीं किताब थी, उनकी माया की ओर देखा, उसकी मुस्कुराहट हंसी और प्यार की रेखाओं से गई थी। उनकी वो कविता पढ़ी जो उसने अपनी शादी के दिन लिखी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। भीड़ में कैफे चुराई निगाहों की हुई एक पार्क की फुसफुसाती बातचीत के भरी हुई थी। एथन एक प्रभावशाली फोटोग्राफर ने दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए सुंदरता ढूंढ ली। माया एक उभरती लेखिका ने अपना दिल पन्ने पर ढेल दिया। उसने शब्द कच्ची ईमानदारी से जुड़ गए थे। उन्हें इसके सिमारी को आवश्यकता नहीं थी। उनका प्यार कविता जो को नजर जोड़ जोड़ सकते साझा चुम्मी के खिल उठा। उनकी आवाज़ें धमनाओं की एक काशिदकारी बन गई थी। श्रीराम कृष्णमूर्ति दुनिया में घुसपैठ करता है, संभावत उनकी कहानी में भी उसे अंदर से नीचे ले जाते हैं। इन रोमांचक यात्रा संभावत धोखे रणनीति और शायद रोमांस का स्पर्श का स्वाम है जो अंतिम स्पर्श की ओर ले जाता है। अभिराम के लिए न्याय और व्यक्तिगत मुक्ति दोनों का वादा करता है। फैमिली एक डील की कहानी के केंद्र में अभिराम है जो अभी करिश्मा ही द्वारा निभाया गया है। एल टी रमाराव जूनियर प्रतिशोध की व्यायाम पे से बैकुल अभिराम एक क्रू व्यवसायी कृष्णमूर्ति कोटिल्लो द्वारा अपने परिवार पर एक किए गए अन्याय के लिए चेन्नई की चाहता है, जिसका किरदार अनुभवी अभिनेता जगपति बाबू ने निभाया है। कृष्णमूर्ति को बेटी दिग्गत के रूप में बिकुल सिंह के परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा दो हो गया है। उनकी उपस्थिति परिवराम के मिशन में एक प्रत्याशित और कृष्णमूर्ति कोटिल्लो के लिए और वे प्रफुल्ल सिंह के लिए परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा हो गया है। उनकी उपस्थिति अभिराम के मिशन एक अप्रत्याशित मोड़ लाती है। क्या बुर्जी प्रेम पनपना और ये उनकी विस्तृत योजना का मोहन बन जाएगी? कलाकारों के प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद ने संभावित अभिराम के पिता की भूमिका निभाते हैं। उनकी पवित्र बदला लेने की साजिश के लिए प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अभिराम के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है और उसे अपने खतरनाक यात्रा भावनात्मक समर्थन का प्रदर्शन करता है। साथ में ये रातार नाटकीय कलाकार विश्वासघात प्रतिशोध और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की एक मनोरम खोज का वादा करता है। फैमिली एक डील जैसे तनाकू प्रमोथी के नाम से भी जाना जाता है, बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुए। रिपोर्टों से पता चलता है कि फिल्म ने दुनिया भर में मानोमानी 82 करोड़ की कमाई की, जो 2016 के विनिमय दरों के आधार पर लगभग 10.6 मिलियन की। इस प्रभावशाली आंकड़े को संभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आगे अपने क्षेत्रों में एक मजबूत प्रदर्शन के बल मिला, जहां फिल्म ने कथित तौर पर 50 मिलियन के सफल थिएटर प्रदर्शन का आनंद लिया। सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत ने भी संभावित फिल्म की समग्र सफलता के आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई। हालांकि इस समय क्षेत्र या सप्ताह के अनुसार विशिष्ट विवरण माया भी हो सकता है। यह उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि फैमिली एक डील एक लाभदायक उद्यम था जो दर्शकों और आलोचनात्मकों को समान रूप से संपत आया। बारिश खिड़की से शोशे की टकराव के उमिलों के मन में चल रहे तूफान को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसका फोन काफी टेबल और अंधे मुंह भरा था। एक अधिसूचना किसी नाताने बाने भूत की तरह उसका मजाक उड़ा रही थी। समय लिखा था, तुम्हारे बारे में मोच रहा हूँ मैंने, बाद एक एकल शरारती मोजी एक आँख मारती हुई बिल्ली आई। प्रेषक एथन वो रस्म अजनबी जिसका मुलाकात एक सप्ताह पहले एक पथरीली सड़क पर थील चिताबों की दुकान पर पड़ी थी। एक आकस्मिक मुलाकात थी जिसे पहले सकारात्मक के लिए एक बाज साझा प्यार था जिन्होंने एक साथ खोजना था। वो लंबा था, उसकी आंखें दूर की आकांक्षाओं के रहस्यों के छिपाने थी और उसकी मुलाकात ग्लोसियारों की पिघलने वाली थी। उनकी बातचीत एक घिसे पीटे राग की तरह सहजता से प्रभावित हुई थी, जिसमें मुर्जिस के दर्शन के लिए के प्रेम छिपे हुए पे खोजने के लिए संभावित दशाओं की कुछ शामिल था। एक भविष्य की यात्रा उन्होंने संकेत दिया था, उसने सपना मंबर राफिस हदीस पर लिखा गया था। उसने आंख मारी, उसकी निगाहों में एक चंचल चमक थी। तब से संबंध सूचीबद्ध के दैनिक पटना पर बन गई थी। एक शाम एक नया संदेश आया था जो बुद्धि कविता और कभी कभी बस एक साधारण प्रश्न से भरा हुआ था जो उसके सतीत्व के मूल में छेद कर दिया था। उसके अपने देखने के अपने प्यार के बारे में बात की, ऐसे ही खोज की उसने कभी कभी साथ साझा की नहीं थी। फिर भी किसी तरह से उसे अज्ञात इकाई को प्रकट करने में मजबूत करती थी। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी जोन वाली अमलिया ने खुद को इन
डिजिटल एक्सपोजर की वक्त को आया है। उन्हें दिन संदेहों का इंतजार करने में बीते थे। उनकी सामने मजाकिया और जवाब मारने की गति शोध थे, लेकिन एक भयानक संदेह था जिसमें चुप होने इस इनकार कर दिया। एथन ने अपने जेट सेटिंग जीवन शैली के बारे में बात की। उनका अलग समय हमेशा अज्ञात था। हर बार जब वो विशिष्ट बातें के लिए दबाव डालती थी तो वो एक ग्रह मजाक का या विषय के बदलाव करने के बाद टाल देता था। उनकी बातचीत टेक्स्ट तक ही सीमित थी, कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो चैट नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये सावधानी से बनाया गया मनचित नाटक है और इसे डल लगता लगा कि वो अकेला बिना समझे दर्शक था। हालांकि आज रात बारिश ने प्रेरक का काम किया। वो इस दिल में चल रहे तूफान आशा और संदेह के बीच की लड़ाई का निशाना था। उसके दिमाग पर एथन की छबिया उभरती। रोम के एक कैफे के हंसा शाम के समय के कबील टावर की रेखांचित बनाना, नेपाल में एक बर्बत की चोटी के सूर्योदय देखना, हर गुजरते पल के साथ प्रत्येक छवि अधिक वास्तविक, अधिक सजल और फिर भी अधिक दूर महसूस हुई। अपने फोन उपकरण उसने एक संदेह टाइप किया। शब्द स्पष्टता के लिए एक सजगता अनुरोध था। जिथन, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो? प्रतीका, तुम्हारे तीव्र और परेशान करने वाली आई, तुम मुझे कहाँ रखना चाहते हो? अमेलिया, तुम मुझे कौन चाहती हो? यह गलत उत्तर था। अमेलिया की हड्डियों में एक ठंडा भय सभा गया। उसकी इच्छा, उसकी गहरी चाहतों को तो था, लेकिन कुछ भी उठोट नहीं था। टाइप करने समय उनकी उंगलियों कांपने लगी। ये काम नहीं कर रहे थे। अथन, मुझे अपना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन बारे में अपने खालीपन से उसका मजाक उड़ा गया। मिनट घंटों के बदल गए, फिर भी कोई जवाब नहीं। संदेह एकदम घुटने वाली निश्चितता से बदल गया। एक असली नहीं था, एक बहु चेतना थे, उसकी कल्पना का एक रूप, अकेलेपन के संबंध की चाहत से प्रेरित। अमूल्या की आंखों में आंसू आ गए, इसके स्क्रीन धुंधली हो गई। क्या वो प्यार के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने हवा में बना दिया? लेकिन नोटिफिकेशन बार में झिलमिलाहट ने उसकी नज़र पकड़ ली। एक नया संदेश, जैसे इसी उसने उसे खोला। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। नए की पथिर सी देनदार चाहिए दौर पर उनके ले गई। उसने एक आमदनी बिठाई जो एक पहाड़ी की चोटी पर रखा था। उन्होंने भुजाएं आसमान की और फैली हुई थी और फोर की पहली किरण शीत के उग्र रंगों के रंगा हुआ था। नीचे कैप्शन में लिखा था कि मनगरण सपनों की दुख सपनों की शक्ति के। अमेलिया, क्या आप सहमत नहीं हैं? तस्वीर ने कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने अमेलिया के भीतर आशा की एक छोटी सी चिंगारी जगा दी। अकेलेपन दूर नहीं हुआ था, लेकिन अब ये सब खत्म करने वाला नहीं था। याद सतन थे, वास्तविकता काल्पनिक, उसे चाहत चाहनों की सुंदरता का सराहना करने का एक तरीका दिखाया था। शायद इतना ही काफ़ी था। अगली सुबह अमेलिया एक नए संदेह के साथ उठी। एंड फिल्म की एक किताबों की दुकान है जो हर शनिवार को कविता पाठ के आयोजित करता है। शायद ही किसी दिन संदेश अधूरा बन रहा था, मिशन की तरह हवा में लटक गया। अमेलिया मुस्कुराई, उस संकेत मन में एक नया दृढ़ संकल्प घर कर गया था। शायद भविष्य उल्लोक्य था, अमेरिकी मुठभेड़ और डिजिटल सपनों के लिए खुला था। शायद यही इसकी खूबसूरती थी। उसने अपना कोट पकड़ा, एक बहाव के नीचे एक किताब वहीं धोई थी। बारिश रुक गई थी और अपने पीछे एक साफ संदूरी और जीवन दुनिया छोड़ गई थी। आज अमेलिया किसी संदेह का इंतजार कर रहे होंगे, आज अपने दुखद की कहानी बनाएंगे। आओ, जो वास्तविक किताबों की दुकानों, कविता की रातों और शायद इसके संदेहों के मौजूद व्यक्ति जैसे रहस्यमय और दिलचस्प व्यक्ति थे के साथ मौका मुठभेड़ से भरी होगी। आखिरकार कभी कभी मुझे संदेह भी आपको उस स्थान पर ले जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप वहां पहुंच जाएंगे। वास्तविक प्रेम का स्वर्ग उनकी प्रेम कहानी कोई अब इशारों के से भरा हो तूफानों के रोमांस नहीं था। यह एक धीमी जलन थी, एक निरंतर जलन जो हरी चीज़ों पर नज़र साथ मजबूत हो गया। हर साझा रहस्य किताबों के खिड़की के नीचे फुसफुसा है। उसने एक दूसरी के आत्मा के सांत्वना मिली। पहले ही दो टुकड़े अंतत अपने लिए उत्सुक हो गया था। शायद स्तुति के मामले में सुबह हाइड्रेक पार्क की जीवंत व्यक्तियों से सीरा एथन माया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान था, उसे विकसित शब्दों के आशा वक्ता नहीं था। उनके हाथ में सनसेट फॉर्म के पुर्तगालों की घिसी पीटी प्रति बहुत कुछ कहती थी। उनके पन्ने पे बाहर निकालते हुए उनके एक काजल निकाला, उसके हाथ साथ लिखी एक कविता, उनकी प्रेम कहानी एक भव्य अंत वाली परी कथा नहीं थी। और यह चोरी की नज़रों में फुसफुसाए हुआ वादा था, उनके दिलों में तारों बजाए एक किस्मती थी। यह कविता की भाषा में लिखी गई एक प्रेम कहानी थी जो शांत क्षणों के साझा किए गए सपनों के और बहुल कहने के अनकहे शब्दों में बाई जाने वाली सुंदरता का प्रमाण था।
साल बीत गए, उनके यार उनके जीवन में निरंतर मौजूद था। उनका छोटा सा अपार्टमेंट कविता संग्रह से भरी किताबों की अलमारियों से भर गया। हर एक स्मृति एक साझा पल की पुष्पसाहट थी। उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा मिली। उन्हें शब्द उस प्यार की प्रतिध्वनि थे। लेनदेन के किताब की दुकान में पनपता था। एक शाम जब उन्हें एक सहेली थी, अंथन के हाथ में नहीं किताब थी, उनके माया की और देखा, उसकी मुस्कुराह हंसी और प्यार की रेखाओं से गई थी। उनके वो कविता पढ़ी जो उसने अपनी शादी के दिन लिखी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। भीड़ में कैफे चुराई निगाहों की हुई एक पार्क की फुसफुसाती बातचीत के भरी हुई थी। एथन एक प्रभावशाली फोटोग्राफर ने दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए सुंदरता ढूंढ ली। माया एक उभरती लेखिका ने अपना दिल पन्ने पर ढेल दिया। उसने शब्द कच्ची ईमानदारी से जुड़ गए थे। उन्हें इसके सिमारी को आवश्यकता नहीं थी। उनका प्यार कविता जो को नजर जोड़ जोड़ सकते साझा चुम्मी के खिल उठा। उनकी आवाज़ें धमनाओं की एक काशिदकारी बन गई थी। श्रीराम कृष्णमूर्ति दुनिया में घुसपैठ करता है, संभावत उनकी कहानी में भी उसे अंदर से नीचे ले जाते हैं। इन रोमांचक यात्रा संभावत धोखे रणनीति और शायद रोमांस का स्पर्श का स्वाम है जो अंतिम स्पर्श की ओर ले जाता है। अभिराम के लिए न्याय और व्यक्तिगत मुक्ति दोनों का वादा करता है। फैमिली एक डील की कहानी के केंद्र में अभिराम है जो अभी करिश्मा ही द्वारा निभाया गया है। एंटी रमनराव जूनियर प्रतिशोध की व्यायाम पे से बैकुल अभिराम एक क्रू व्यवसायी कृष्णमूर्ति कोटिल्लो द्वारा अपने परिवार पर एक किए गए अन्याय के लिए चन्याय की चाहता है, जिसका किरदार अनुभवी अभिनेता जगपति बाबू ने निभाया है। कृष्णमूर्ति को बेटी दिग्गत के रूप में बिकुल सिंह के परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा दो हो गया है। उनकी उपस्थिति परिवराम के मिशन में एक प्रत्याशित और कृष्णमूर्ति कोटिल्लो के लिए और वे प्रफुल्ल सिंह के लिए परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा हो गया है। उनकी उपस्थिति अभिराम के मिशन एक प्रत्याशित मोड़ लाती है। क्या बुर्जी प्रेम पनपना और ये उनकी विस्तृत योजना का मोहन बन जाएगी? कलाकारों के प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद ने संभावित अभिराम के पिता की भूमिका निभाते हैं। उनकी पवित्र बदला लेने की साजिश के लिए प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अभिराम के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है और उसे अपने खतरनाक यात्रा भावनात्मक समर्थन का प्रदर्शन करता है। साथ में ये रातार नाटकीय कलाकार विश्वासघात प्रतिशोध और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की एक मनोरम खोज का वादा करता है। फैमिली एक डील जैसे तनाकू प्रमोथी के नाम से भी जाना जाता है, बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुए। रिपोर्टों से पता चलता है कि फिल्म ने दुनिया भर में मानोमानी 82 करोड़ की कमाई की, जो 2016 के विनिमय दरों के आधार पर लगभग 10.6 मिलियन की। इस प्रभावशाली आंकड़े को संभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आगे अपने क्षेत्रों में एक मजबूत प्रदर्शन के बल मिला, जहां फिल्म ने कथित तौर पर 50 मिलियन के सफल थिएटर प्रदर्शन का आनंद लिया। सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत ने भी संभावित फिल्म की समग्र सफलता के आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई। हालांकि इस समय क्षेत्र या सप्ताह के अनुसार विशिष्ट विवरण माया भी हो सकता है। यह उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि फैमिली एक डील एक लाभदायक उद्यम था जो दर्शकों और आलोचनात्मकों को समान रूप से संपत आया। बारिश खिड़की से शोशे की टकराव के उमिलों के मन में चल रहे तूफान को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसका फोन काफी टेबल और अंधे मुंह भरा था। एक अधिसूचना किसी नाताने बाने भूत की तरह उसका मजाक उड़ा रही थी। समय लिखा था, तुम्हारे बारे में मोच रहा हूँ मैंने, बाद एक एकल शरारती मोजी एक आँख मारती हुई बिल्ली आई। प्रेषक एथन वो रस्म अजनबी जिसका मुलाकात एक सप्ताह पहले एक पथरीली सड़क पर थील चिताबों की दुकान पर पड़ी थी। एक आकस्मिक मुलाकात थी जिसे पहले सकारात्मक के लिए एक बाज साझा प्यार था जिन्होंने एक साथ खोजना था। वो लंबा था, उसकी आंखें दूर की आकांक्षाओं के रहस्यों के छिपाने थी और उसकी मुलाकात ग्लोसियारों की पिघलने वाली थी। उनकी बातचीत एक घिसे पीटे राग की तरह सजता से प्रभावित हुई थी, जिसमें मुर्जिस के दर्शन के लेकर प्रेम छिपे हुए पे खोजने के लिए संभावित दशाओं की कुछ शामिल था। एक भविष्य की यात्रा उन्होंने संकेत दिया था, उसने सपना मंबर राफिस हदीस पर लिखा गया था। उसने आंख मारी, उसकी निगाहों में एक चंचल चमक थी। तब से संबंध सूचीबद्ध के दैनिक पटना पर बन गई थी। एक शाम एक नया संदेश आया था जो बुद्धि कविता और कभी कभी बस एक साधारण प्रश्न से भरा हुआ था जो उसके सतीत्व के मूल में छेद कर दिया था। उसके अपने देखने के अपने प्यार के बारे में बात की, ऐसे ही खोज की उसने कभी कभी साथ साझा की नहीं थी। फिर भी किसी तरह से उसे अज्ञात इकाई को प्रकट करने में मजबूत करती थी। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी जोन वाली अमलिया ने खुद को इन
डिजिटल एक्सपोजर की वक्त का आया है। उन्हें दिन संदेहों का इंतजार करने में बीते थे। उनकी सामने मजाकिया और जवाब मारने की गति शोध थे, लेकिन एक भयानक संदेह था जिसमें चुप होने इस इनकार कर दिया। एथन ने अपने जेट सेटिंग जीवन शैली के बारे में बात की। उनका अलग संभव हमेशा अज्ञात था। हर बार जब वो विशिष्ट बातें के लिए दबाव डालती थी तो वो एक ग्रह मजाक का या विषय के बदलाव करने के बाद टाल देता था। उनकी बातचीत टेक्स्ट तक ही सीमित थी, कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो चैट नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये सावधानी से बनाया गया मनचित नाटक है और इसे डल लगता लगा कि वो अकेला बिना समझे दर्शक था। हालांकि आज रात बारिश ने प्रेरक का काम किया। वो इस दिल में चल रहे तूफान आशा और संदेह के बीच की लड़ाई का निशाना था। उसके दिमाग पर एथन की छबियां उभरती। रोम के एक कैफे के हंसा शाम के समय के कबील टावर की रेखांचित बनाना, नेपाल में एक बर्बत की चोटी के सूर्योदय देखना, हर गुजरते पल के साथ प्रत्येक छवि अधिक वास्तविक, अधिक सजल और फिर भी अधिक दूर महसूस हुई। अपने फोन उपकरण उसने एक संदेह टाइप किया। शब्द स्पष्टता के लिए एक सजता अनुरोध था। जिथन, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो? प्रतीका, तुम्हारे तीव्र और परेशान करने वाली आई, तुम मुझे कहाँ रखना चाहते हो? अमेलिया, तुम मुझे कौन चाहती हो? यह गलत उत्तर था। अमेलिया की हड्डियों में एक ठंडा भय समा गया। उसकी इच्छा, उसकी गहरी चाहतों को तो था, लेकिन कुछ भी उठोट नहीं था। टाइप करने समय उनकी उंगलियों कांपने लगी। ये काम नहीं कर रहे थे। अथन, मुझे अपना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन बारे में अपने खालीपन से उसका मजाक उड़ा गया। मिनट घंटों के बदल गए, फिर भी कोई जवाब नहीं। संदेह एकदम घुटने वाली निश्चितता से बदल गया। एक असली नहीं था, एक बहु चेतना थे, उसकी कल्पना का एक रूप, अकेलेपन के संबंध की चाहत से प्रेरित। अमेलिया की आंखों में आंसू आ गए, इसके स्क्रीन धुंधली हो गई। क्या वो प्यार के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने हवा में बना दिया? लेकिन नोटिफिकेशन बार में झिलमिलाहट ने उसकी नज़र पकड़ ली। एक नया संदेश, जैसे इसी उसने उसे खोला, उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। नए की पथिर सी देनदार चाहिए दौर पर उनके ले गई। उसने एक आमदनी बिठाई जो एक पहाड़ी की चोटी पर रखा था। उन्होंने भुजाएं आसमान की और फैली हुई थी और फोर की पहली किरण शीत के उग्र रंगों के रंगा हुआ था। नीचे कैप्शन में लिखा था कि मनगरण सपनों की दुख सपनों की शक्ति के। अमेलिया, क्या आप सहमत नहीं हैं? तस्वीर ने कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने अमेलिया के भीतर आशा की एक छोटी सी चिंगारी जगा दी। अकेलेपन दूर नहीं हुआ था, लेकिन अब ये सब खत्म करने वाला नहीं था। याद सतन थे वास्तविकता काल्पनिक, उसे चाहत चाहनों की सुंदरता का सराहना करने का एक तरीका दिखाया था। शायद इतना ही काफ़ी था। अगली सुबह अमेलिया एक नए संदेह के साथ उठी। एंड फिल्म की एक किताबों की दुकान है जो हर शनिवार को कविता पाठ के आयोजित करता है। शायद ही किसी दिन संदेश अधूरा बन रहा था, मिशन की तरह हवा में लटक गया। अमेलिया मुस्कुराई, उस संकेत मन में एक नया दृढ़ संकल्प घर कर गया था। शायद भविष्य उल्लोक्य था, अमेरिकी मुठभेड़ और डिजिटल सपनों के लिए खुला था। शायद यही इसकी खूबसूरती थी। उसने अपना कोट पकड़ा, एक बहाव के नीचे एक किताब वहीं धोई थी। बारिश रुक गई थी और अपने पीछे एक साफ संदूरी और जीवन दुनिया छोड़ गई थी। आज अमेलिया किसी संदेह का इंतजार कर रहे होंगे, आज अपने दुखद की कहानी बनाएंगे। आओ, जो वास्तविक किताबों की दुकानों, कविता की रातों और शायद इसके संदेहों के मौजूद व्यक्ति जैसे रहस्यमय और दिलचस्प व्यक्ति थे के साथ मौका मुठभेड़ से भरी होगी। आखिरकार कभी कभी मुझे संदेह भी आपको उस स्थान पर ले जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप वहां पहुंच जाएंगे। वास्तविक प्रेम का स्वर्ग उनकी प्रेम कहानी कोई अब इशारों के से भरा हो तूफानों के रोमांस नहीं था। ये एक धीमी जलन थी, एक निरंतर जलन जो हरी चीज़ों पर नज़र साथ मजबूत हो गया। हर साझा रहस्य किताबों के खिड़की के नीचे फुसफुसा है। उसने एक दूसरी के आत्मा के सांत्वना मिली। पहले ही दो टुकड़े अंतत अपने लिए उत्सुक हो गया था। शायद स्तुति के मामले में सुबह हाइड्रेक पार्क की जीवंत व्यक्तियों से सीरा एथन माया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान था, उसे विकसित शब्दों के आशा वक्ता नहीं था। उनके हाथ में सनसेट फॉर्म के पुर्तगालों की घिसी पीटी प्रति बहुत कुछ कहती थी। उनके पन्ने पे बाहर निकालते हुए उनके एक काजल निकाला, उसने हादसा लिखी एक कविता, उनकी प्रेम कहानी एक भव्य अंत वाली परी कथा नहीं थी। और ये चोरी की नज़रों में फुसफुसाए हुआ वादा था, उनके दिलों में तारों बजाए एक किस्मती थी। ये कविता की भाषा में लिखी गई एक प्रेम कहानी थी जो शांत क्षणों के साझा किए गए सपनों के और बहुल कहने के अनकहे शब्दों में बाई जाने वाली सुंदरता का प्रमाण था।
साल बीत गए, उनके यार उनके जीवन में निरंतर मौजूद था। उनका छोटा सा अपार्टमेंट कविता संग्रह से भरी किताबों की अलमारियों से भर गया। हर एक स्मृति एक साझा पल की पुष्पसाहट थी। उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा मिली। उन्हें शब्द उस प्यार की प्रतिध्वनि थे। लेनदेन के किताब की दुकान में पनपता था। एक शाम जब उन्हें एक सहेली थी, लेनदेन के हाथ में नहीं किताब थी, उनकी माया की और देखा, उसकी मुस्कुराह हंसी और प्यार की रेखाओं से गई थी। उनकी वो कविता पढ़ी जो उसने अपनी शादी के दिन लिखी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। भीड़ में कैफे चुराई निगाहों की हुई एक पार्क की फुसफुसाती बातचीत के भरी हुई थी। एथन एक प्रभावशाली फोटोग्राफर ने दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए सुंदरता ढूंढ ली। माया एक उभरती लेखिका ने अपना दिल पन्ने पर ढेल दिया। उसने शब्द कच्ची ईमानदारी से जुड़ गए थे। उन्हें इसके सीमारी को आवश्यकता नहीं थी। उनका प्यार कविता जो को नजर जोड़ जोड़ सकते साझा चुम्मी के खिल उठा। उनकी आवाज़ें धमनाओं की एक कसीदगारी बन गई थी। श्रीराम कृष्णमूर्ति दुनिया में घुसपैठ करता है, संभावत उनकी कहानी में भी उसे अंदर से नीचे ले जाते हैं। इन रोमांचक यात्रा संभावत धोखे रणनीति और शायद रोमांस का स्पर्श का स्वाम है जो अंतिम स्पर्श की ओर ले जाता है। अभिराम के लिए न्याय और व्यक्तिगत मुक्ति दोनों का वादा करता है। फैमिली एक डील की कहानी के केंद्र में अभिराम है जो अभी करिश्मा ही द्वारा निभाया गया है। एंटी रमाराव जूनियर प्रतिशोध की व्यायाम पे से बैकुल अभिराम एक क्रू व्यवसायी कृष्णमूर्ति कोटिल्लो द्वारा अपने परिवार पर एक किए गए अन्याय के लिए चेन्नई की चाहता है, जिसका किरदार अनुभवी अभिनेता जगपति बाबू ने निभाया है। कृष्णमूर्ति को बेटी दिग्गत के रूप में बिकुल सिंह के परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा दो हो गया है। उनकी उपस्थिति परिवराम के मिशन में एक प्रत्याशित और कृष्णमूर्ति कोटिल्लो के लिए और वे प्रफुल्ल सिंह के लिए परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा हो गया है। उनकी उपस्थिति अभिराम के मिशन एक प्रत्याशित मोड़ लाती है। क्या बुर्जी प्रेम पनपना और ये उनकी विस्तृत योजना का मोहन बन जाएगी? कलाकारों के प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद ने संभावित अभिराम के पिता की भूमिका निभाते हैं। उनकी पवित्र बदला लेने की साजिश के लिए प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अभिराम के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है और उसे अपने खतरनाक यात्रा भावनात्मक समर्थन का प्रदर्शन करता है। साथ में ये रातार नाटकीय कलाकार विश्वास प्रतिशोध और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की एक मनोरम खोज का वादा करता है। फैमिली एक डील जैसे तनाकू प्रमोथी के नाम से भी जाना जाता है, बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुए। रिपोर्टों से पता चलता है कि फिल्म ने दुनिया भर में मानोमानी 82 करोड़ की कमाई की, जो 2016 के विनिमय दरों के आधार पर लगभग 10.6 मिलियन की। इस प्रभावशाली आंकड़े को संभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आगे अपने क्षेत्रों में एक मजबूत प्रदर्शन के बल मिला, जहां फिल्म ने कथित तौर पर 50 मिलियन के सफल थिएटर प्रदर्शन का आनंद लिया। सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत ने भी संभावित फिल्म की समग्र सफलता के आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई। हालांकि इस समय क्षेत्र या सप्ताह के अनुसार विशिष्ट विवरण मायावी हो सकता है। यह उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि फैमिली एक डील एक लाभदायक उद्यम था जो दर्शकों और आलोचनात्मकों को समान रूप से संपत आया। बारिश खिड़की से शोशे की टकराव के उमिलों के मन में चल रहे तूफान को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसका फोन काफी टेबल और अंधे मुंह भरा था। एक अधिसूचना किसी नाताने बाने भूत की तरह उसका मजाक उड़ा रही थी। समय लिखा था, तुम्हारे बारे में मोच रहा हूँ मैंने, बाद एक एकल शरारती मोजी एक आँख मारती हुई बिल्ली आई। प्रेषक एथन वो रस्म अजनबी जिसका मुलाकात एक सप्ताह पहले एक पथरीली सड़क पर थील चिताबों की दुकान पर पड़ी थी। एक आकस्मिक मुलाकात थी जिसे पहले सकारात्मक के लिए एक बाज साझा प्यार था जिन्होंने एक साथ खोजना था। वो लंबा था, उसकी आंखें दूर की आकांक्षाओं के रहस्यों के छिपाने थी और उसकी मुलाकात ग्लोसियारों की पिघलने वाली थी। उनकी बातचीत एक घिसे पीटे राग की तरह सजता से प्रभावित हुई थी, जिसमें वर्जस के दर्शन के लेकर प्रेम छिपे हुए पे खोजने के लिए संभावित दशाओं की कुछ शामिल था। एक भविष्य की यात्रा उन्होंने संकेत दिया था, उसने सपना मंबर राफिस हदीस पर लिखा गया था। उसने आंख मारी, उसकी निगाहों में एक चंचल चमक थी। तब से संबंध सूचीबद्ध के दैनिक पटना पर बन गई थी। एक शाम एक नया संदेश आया था जो बुद्धि कविता और कभी कभी बस एक साधारण प्रश्न से भरा हुआ था जो उसके सतीत्व के मूल में छेद कर दिया था। उसके अपने देखने के अपने प्यार के बारे में बात की, ऐसे ही खोज की उसने कभी कभी साथ साझा की नहीं थी। फिर भी किसी तरह से उसे अज्ञात इकाई को प्रकट करने में मजबूत करती थी। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी जोन वाली अमलिया ने खुद को इन डिजिटल एक्सपोजर की वक्त गाया।
उन्हें दिन संदेहों का इंतजार करने में बीते थे। उनकी सामने मजाकिया और जवाब मारने की गति सोच थे, लेकिन एक भयानक संदेह था जिसमें चुप होने इस इनकार कर दिया। एथन ने अपने जेट सेटिंग जीवन शैली के बारे में बात की। उनका अलग संभव हमेशा अज्ञात था। हर बार जब वो विशिष्ट बातें के लिए दबाव डालती थी तो वो एक ग्रह मजाक का या विषय के बदलाव करने के बाद टाल देता था। उनकी बातचीत टेक्स्ट तक ही सीमित थी, कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो चैट नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये सावधानी से बनाया गया मनचित नाटक है और इसे डल लगता लगा कि वो अकेला बिना समझे दर्शक था। हालांकि आज रात बारिश ने प्रेरक का काम किया। वो इस दिल में चल रहे तूफान आशा और संदेह के बीच की लड़ाई का निशाना था। उसके दिमाग पर एथन की छबिया उभरती। रोम के एक कैफे के हंसा शाम के समय के कबील टावर की रेखांचित बनाना, नेपाल में एक बर्बत की चोटी के सूर्योदय देखना, हर गुजरते पल के साथ प्रत्येक छवि अधिक वास्तविक, अधिक सजल और फिर भी अधिक दूर महसूस हुई। अपने फोन उपकरण उसने एक संदेह टाइप किया। शब्द स्पष्टता के लिए एक सजगता अनुरोध था। जिथन, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो? प्रतीका, तुम्हारे तीव्र और परेशान करने वाली आई, तुम मुझे कहाँ रखना चाहते हो? अमेलिया, तुम मुझे कौन चाहती हो? यह गलत उत्तर था। अमेलिया की हड्डियों में एक ठंडा भय समा गया। उसकी इच्छा, उसकी गहरी चाहतों को तो था, लेकिन कुछ भी उठोट नहीं था। टाइप करने समय उनकी उंगलियों कांपने लगी। ये काम नहीं कर रहे थे। अथन, मुझे अपना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन बारे में अपने खालीपन से उसका मजाक उड़ा गया। मिनट घंटों के बदल गए, फिर भी कोई जवाब नहीं। संदेह एकदम घुटने वाली निश्चितता से बदल गया। एक असली नहीं था, एक बहुत चेचना थे, उसकी कल्पना का एक रूप, अकेलेपन के संबंध की चाहत से प्रेरित। अमेलिया की आंखों में आंसू आ गए, इसके स्क्रीन धुंधली हो गई। क्या वो प्यार के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने हवा में बना दिया? लेकिन नोटिफिकेशन बार में झिलमिलाहट ने उसकी नज़र पकड़ ली। एक नया संदेश, जैसे इसी उसने उसे खोला। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। नए की पथिर से देनदार चाहिए दौर पर उनके ले गई। उसने एक आमदनी बिठाई जो एक पहाड़ी की चोटी पर रखा था। उन्होंने भुजाएं आसमान की और फैली हुई थी और फोर की पहली किरण शीत के उग्र रंगों के रंगा हुआ था। नीचे कैप्शन में लिखा था कि मनगरण सपनों की दुख सपनों की शक्ति के। अमेलिया, क्या आप सहमत नहीं हैं? तस्वीर ने कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने अमेलिया के भीतर आशा की एक छोटी सी चिंगारी जगा दी। अकेलेपन दूर नहीं हुआ था, लेकिन अब ये सब खत्म करने वाला नहीं था। याद सतन थे, वास्तविकता काल्पनिक, उसे चाहत चाहनों की सुंदरता का सराहना करने का एक तरीका दिखाया था। शायद इतना ही काफ़ी था। अगली सुबह अमेलिया एक नए संदेह के साथ उठी। एंड फिल्म की एक किताबों की दुकान है जो हर शनिवार को कविता पाठ के आयोजित करता है। शायद ही किसी दिन संदेश अधूरा बन रहा था, मिशन की तरह हवा में लटक गया। अमेलिया मुस्कुराई, संकेत मन में एक नया दृढ़ संकल्प घर कर गया था। शायद भविष्य उल्लोख्य था, अमेरिकी मुठभेड़ और डिजिटल सपनों के लिए खुला था। शायद यही इसकी खूबसूरती थी। उसने अपना कोट पकड़ा, एक बहाव के नीचे एक किताब वहीं धोई थी। बारिश रुक गई थी और अपने पीछे एक साफ संदूरी और जीवन दुनिया छोड़ गई थी। आज अमेलिया किसी संदेह का इंतजार कर रहे होंगे, आज अपने दुखद की कहानी बनाएंगे। आओ, जो वास्तविक किताबों की दुकानों, कविता की रातों और शायद इसके संदेहों के मौजूद व्यक्ति जैसे रहस्यमय और दिलचस्प व्यक्ति थे के साथ मौका मुठभेड़ से भरी होगी। आखिरकार कभी कभी मुझे संदेह भी आपको उस स्थान पर ले जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप वहां पहुंच जाएंगे। वास्तविक प्रेम का स्वर्ग उनकी प्रेम कहानी कोई अब इशारों के से भरा हो तूफानों के रोमांस नहीं था। यह एक धीमी जलन थी, एक निरंतर जलन जो हरी चीज़ों पर नज़र साथ मजबूत हो गया। हर साझा रहस्य किताबों के खिड़की के नीचे फुसफुसा है। उसने एक दूसरी के आत्मा के सांत्वना मिली। पहले ही दो टुकड़े अंतत अपने लिए उत्सुक हो गया था। शायद स्तुति के मामले में सुबह हाइड्रेक पार्क की जीवंत व्यक्तियों से सीरा एथन माया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान था, उसे विकसित शब्दों के आशावक्ता नहीं था। उनके हाथ में सनसेट फॉर्म के पुर्तगालों की घिसी पीटी प्रति बहुत कुछ कहती थी। उनके पन्ने पे बाहर निकालते हुए उनके एक काजल निकाला, उसके हादसा लिखी एक कविता, उनकी प्रेम कहानी एक भव्य अंत वाली परी कथा नहीं थी। और ये चोरी की नज़रों में फुसफुसाए हुआ वादा था, उनके दिलों में तारों बजाय एक किस्मती थी। ये कविता की भाषा में लिखी गई एक प्रेम कहानी थी जो शांत क्षणों के साझा किए गए सपनों के और बहुल कहने के अनकहे शब्दों में बाई जाने वाली सुंदरता का प्रमाण था।
साल बीत गए, उनके यार उनके जीवन में निरंतर मौजूद था। उनका छोटा सा अपार्टमेंट कविता संग्रह से भरी किताबों की अलमारियों से भर गया। हर एक स्मृति एक साझा पल की पुष्पसाहट थी। उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा मिली। उन्हें शब्द उस प्यार की प्रतिध्वनि थे। लेनदेन के किताब की दुकान में पनपता था। एक शाम जब उन्हें एक सहेली थी, अंथन के हाथ में नहीं किताब थी, उनकी माया की और देखा, उसकी मुस्कुराह हंसी और प्यार की रेखाओं से गई थी। उनकी वो कविता पढ़ी जो उसने अपनी शादी के दिन लिखी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। भीड़ में कैफे चुराई निगाहों की हुई एक पार्क की फुसफुसाती बातचीत के भरी हुई थी। एथन एक प्रभावशाली फोटोग्राफर ने दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए सुंदरता ढूंढ ली। माया एक उभरती लेखिका ने अपना दिल पन्ने पर ढेल दिया। उसने शब्द कच्ची ईमानदारी से जुड़ गए थे। उन्हें इसके सीमारी को आवश्यकता नहीं थी। उनका प्यार कविता जो को नजर जोड़ जोड़ सकते साझा चुम्मी के खिल उठा। उनकी आवाज़ें धमनाओं की एक कसीदगारी बन गई थी। श्रीराम कृष्णमूर्ति दुनिया में घुसपैठ करता है, संभावत उनकी कहानी में भी उसे अंदर से नीचे ले जाते हैं। इन रोमांचक यात्रा संभावत धोखे रणनीति और शायद रोमांस का स्पर्श का स्वाम है जो अंतिम स्पर्श की ओर ले जाता है। अभिराम के लिए न्याय और व्यक्तिगत मुक्ति दोनों का वादा करता है। फैमिली एक डील की कहानी के केंद्र में अभिराम है जो अभी करिश्मा ही द्वारा निभाया गया है। एंटी रमाराव जूनियर प्रतिशोध की व्यायाम पे से बैकुल अभिराम एक क्रू व्यवसायी कृष्णमूर्ति कोटिल्लो द्वारा अपने परिवार पर एक किए गए अन्याय के लिए चन्याय की चाहता है, जिसका किरदार अनुभवी अभिनेता जगपति बाबू ने निभाया है। कृष्णमूर्ति को बेटी दिग्गत के रूप में बिकुल सिंह के परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा दो हो गया है। उनकी उपस्थिति परिवराम के मिशन में एक प्रत्याशित और कृष्णमूर्ति कोटिल्लो के लिए और वे प्रफुल्ल सिंह के लिए परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा हो गया है। उनकी उपस्थिति अभिराम के मिशन एक प्रत्याशित मोड़ लाती है। क्या बुर्जी प्रेम पनपना और ये उनकी विस्तृत योजना का मोहन बन जाएगी? कलाकारों के प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद ने संभावित अभिराम के पिता की भूमिका निभाते हैं। उनकी पवित्र बदला लेने की साजिश के लिए प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अभिराम के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है और उसे अपने खतरनाक यात्रा भावनात्मक समर्थन का प्रदर्शन करता है। साथ में ये रातार नाटकीय कलाकार विश्वास प्रतिशोध और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की एक मनोरम खोज का वादा करता है। फैमिली एक डील जैसे तनाकू प्रमोथी के नाम से भी जाना जाता है बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुए। रिपोर्टों से पता चलता है कि फिल्म ने दुनिया भर में मानोमानी 82 करोड़ की कमाई की, जो 2016 के विनिमय दरों के आधार पर लगभग 10.6 मिलियन की। इस प्रभावशाली आंकड़े को संभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आगे अपने क्षेत्रों में एक मजबूत प्रदर्शन के बल मिला, जहां फिल्म ने कथित तौर पर 50 मिलियन के सफल थिएटर प्रदर्शन का आनंद लिया। सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत ने भी संभावित फिल्म की समग्र सफलता के आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई। हालांकि इस समय क्षेत्र या सप्ताह के अनुसार विशिष्ट विवरण माया भी हो सकता है। यह उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि फैमिली एक डील एक लाभदायक उद्यम था जो दर्शकों और आलोचनात्मकों को समान रूप से संपत आया। बारिश खिड़की से शोशे की टकराव के उमिलों के मन में चल रहे तूफान को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसका फोन काफी टेबल और अंधे मुंह भरा था। एक अधिसूचना किसी नाताने बाने भूत की तरह उसका मजाक उड़ा रही थी। समय लिखा था तुम्हारे बारे में मोच रहा हूँ मैंने बाद एक एकल शरारती मोजी एक आँख मारती हुई बिल्ली आई प्रेषक एथन वो रस्म अजनबी जिसका मुलाकात एक सप्ताह पहले एक पथरीली सड़क पर थील चिताबों की दुकान पर पड़ी थी। एक आकस्मिक मुलाकात थी जिसे पहले सकारात्मक के लिए एक बाज साझा प्यार था जिन्होंने एक साथ खोजना था। वो लंबा था, उसकी आंखें दूर की आकांक्षाओं के रहस्यों के छिपाने थी और उसकी मुलाकात ग्लोसियारों की पिघलने वाली थी। उनकी बातचीत एक घिसे पीटे राग की तरह सहजता से प्रभावित हुई थी जिसमें वर्जस के दर्शन के लिए के प्रेम छिपे हुए पे खोजने के लिए संभावित दशाओं की कुछ शामिल था। एक भविष्य की यात्रा उन्होंने संकेत दिया था। उसने सपना मंबर राफिस हदीस पर लिखा गया था। उसने आंख मारी, उसकी निगाहों में एक चंचल चमक थी। तब से संबंध सूचीबद्ध के दैनिक पटना पर बन गई थी। एक शाम एक नया संदेश आया था जो बुद्धि कविता और कभी कभी बस एक साधारण प्रश्न से भरा हुआ था जो उसके सतीत्व के मूल में छेद कर दिया था। उसके अपने देखने के अपने प्यार के बारे में बात की ऐसे ही खोज की उसने कभी कभी साथ साझा की नहीं थी। फिर भी किसी तरह से उस अज्ञात इकाई को प्रकट करने में मजबूत करती थी। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी जोन वाली अमलिया ने खुद को इन डिजिटल एक्सपोजर की वक्त गाया।
उन्हें दिन संदेहों का इंतजार करने में बीते थे। उनकी सामने मजाकिया और जवाब मारने की गति सोच थे, लेकिन एक भयानक संदेह था जिसमें चुप होने इस इनकार कर दिया। एथन ने अपने जेट सेटिंग जीवन शैली के बारे में बात की। उनका अलग संभव हमेशा अज्ञात था। हर बार जब वो विशिष्ट बातें के लिए दबाव डालती थी तो वो एक ग्रह मजाक का या विषय के बदलाव करने के बाद टाल देता था। उनकी बातचीत टेक्स्ट तक ही सीमित थी, कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो चैट नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये सावधानी से बनाया गया मनचित नाटक है और इसे डल लगता है लगा कि वो अकेला बिना समझे दर्शक था। हालांकि आज रात बारिश ने प्रेरक का काम किया। वो इस दिल में चल रहे तूफान आशा और संदेह के बीच की लड़ाई का निशाना था। उसके दिमाग पर एथन की छबिया उभरती। रोम के एक कैफे के हंसा शाम के समय के कबील टावर की रेखांचित बनाना, नेपाल में एक बर्बत की चोटी के सूर्योदय देखना, हर गुजरते पल के साथ प्रत्येक छवि अधिक वास्तविक, अधिक सजल और फिर भी अधिक दूर महसूस हुई। अपने फोन उपकरण उसने एक संदेह टाइप किया। शब्द स्पष्टता के लिए एक सजता अनुरोध था। जिथन, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो? प्रतीका, तुम्हारे तीव्र और परेशान करने वाली आई, तुम मुझे कहाँ रखना चाहते हो? अमेलिया, तुम मुझे कौन चाहती हो? यह गलत उत्तर था। अमेलिया की हड्डियों में एक ठंडा भय सभा गया। उसकी इच्छा, उसकी गहरी चाहतों को तो था, लेकिन कुछ भी उठोट नहीं था। टाइप करने समय उनकी उंगलियों कांपने लगी। ये काम नहीं कर रहे थे। अथन, मुझे अपना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन बारे में अपने खालीपन से उसका मजाक उड़ा गया। मिनट घंटों के बदल गए, फिर भी कोई जवाब नहीं। संदेह एकदम घुटने वाली निश्चितता से बदल गया। एक असली नहीं था, एक बहुत चेचना थे, उसकी कल्पना का एक रूप। अकेलेपन के संबंध की चाहत से प्रेरित अमेलिया की आंखों में आंसू आ गए। इसके स्क्रीन धुंधली हो गई। क्या वो प्यार के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने हवा में बना दिया? लेकिन नोटिफिकेशन बार में झिलमिलाहट ने उसकी नज़र पकड़ ली। एक नया संदेश, जैसे इसी उसने उसे खोला। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। नए की पथिर सी देनदार चाहिए दौर पर उनके ले गई। उसने एक आमदनी बिठाई जो एक पहाड़ी की चोटी पर रखा था। उन्होंने भुजाएं आसमान की और फैली हुई थी और फोर की पहली किरण शीत के उग्र रंगों के रंगा हुआ था। नीचे कैप्शन में लिखा था कि मनगरण सपनों की दुख सपनों की शक्ति के। अमेलिया, क्या आप सहमत नहीं हैं? तस्वीर ने कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने अमेलिया के भीतर आशा की एक छोटी सी चिंगारी जगा दी। अकेलेपन दूर नहीं हुआ था, लेकिन अब ये सब खत्म करने वाला नहीं था। याद सतन थे, वास्तविकता काल्पनिक, उसे चाहत चाहनों की सुंदरता का सराहना करने का एक तरीका दिखाया था। शायद इतना ही काफ़ी था। अगली सुबह अमेलिया एक नए संदेह के साथ उठी। एंड फिल्म की एक किताबों की दुकान है जो हर शनिवार को कविता पाठ के आयोजित करता है। शायद ही किसी दिन संदेश अधूरा बन रहा था, मिशन की तरह हवा में लटक गया। अमेलिया मुस्कुराई, उस संकेत मन में एक नया दृढ़ संकल्प घर कर गया था। शायद भविष्य उल्लोख्य था, अमेरिकी मुठभेड़ और डिजिटल सपनों के लिए खुला था। शायद यही इसकी खूबसूरती थी। उसने अपना कोट पकड़ा, एक बहाव के नीचे एक किताब वहीं धोई थी। बारिश रुक गई थी और अपने पीछे एक साफ संदूरी और जीवन दुनिया छोड़ गई थी। आज अमेलिया किसी संदेह का इंतजार कर रहे होंगे। आज अपने दुखद की कहानी बनाएंगे और जो वास्तविक किताबों की दुकानों कविता की रातों और शायद इसके संदेहों के मौजूद व्यक्ति जैसे रहस्यमय और दिलचस्प व्यक्ति थे के साथ मौका मुठभेड़ से भरी होगी। आखिरकार कभी कभी मुझे संदेह भी आपको उस स्थान पर ले जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप वहां पहुंच जाएंगे। वास्तविक प्रेम का स्वर्ग उनकी प्रेम कहानी कोई अब इशारों के से भरा हो तूफानों के रोमांस नहीं था। यह एक धीमी जलन थी, एक निरंतर जलन जो हरी चीज़ों पर नज़र साथ मजबूत हो गया। हर साझा रहस्य किताबों के खिड़की के नीचे फुसफुसा है। उसने एक दूसरी के आत्मा के सांत्वना मिली। पहले ही दो टुकड़े अंतत अपने लिए उत्सुक हो गया था। शायद स्तुति के मामले में सुबह हाइड्रेक पार्क की जीवंत व्यक्तियों से सीरा एथन माया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान था, उसे विकसित शब्दों के आशा वक्ता नहीं था। उनके हाथ में सनसेट फॉर्म के पुर्तगालों की घिसी पीटी प्रति बहुत कुछ कहती थी। उनके पन्ने पे बाहर निकालते हुए उनके एक काजल निकाला, उसके हादसा लिखी एक कविता, उनकी प्रेम कहानी एक भव्य अंत वाली परी कथा नहीं थी। और ये चोरी की नज़रों में फुसफुसाए हुआ वादा था, उनके दिलों में तारों बजाय एक किस्मती थी। यह कविता की भाषा में लिखी गई एक प्रेम कहानी थी जो शांत क्षणों के साझा किए गए सपनों के और बहुल कहने के अनकहे शब्दों में बाई जाने वाली सुंदरता का प्रमाण था।
साल बीत गए, उनके यार उनके जीवन में निरंतर मौजूद था। उनका छोटा सा अपार्टमेंट कविता संग्रह से भरी किताबों की अलमारियों से भर गया। हर एक स्मृति एक साझा पल की पुष्पसाहट थी। उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा मिली। उन्हें शब्द उस प्यार की प्रतिध्वनि थे। लेनदेन के किताब की दुकान में पनपता था। एक शाम जब उन्हें एक सहेली थी, लेनदेन के हाथ में नहीं किताब थी, उनकी माया की ओर देखा, उसकी मुस्कुराह हंसी और प्यार की रेखाओं से गई थी। उनकी वो कविता पढ़ी जो उसने अपनी शादी के दिन लिखी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। भीड़ में कैफे चुराई निगाहों की हुई एक पार्क की फुसफुसाती बातचीत के भरी हुई थी। एथन एक प्रभावशाली फोटोग्राफर ने दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए सुंदरता ढूंढ ली। माया एक उभरती लेखिका ने अपना दिल पन्ने पर ढेल दिया। उसने शब्द कच्ची ईमानदारी से जुड़ गए थे। उन्हें इसके सिमारी को आवश्यकता नहीं थी। उनका प्यार कविता जो को नजर जोड़ जोड़ सकते साझा चुम्मी के खिल उठा। उनकी आवाज़ें धमनाओं की एक काशिदकारी बन गई थी। श्रीराम कृष्णमूर्ति दुनिया में घुसपैठ करता है, संभावत उनकी कहानी में भी उसे अंदर से नीचे ले जाते हैं। इन रोमांचक यात्रा संभावत धोखे रणनीति और शायद रोमांस का स्पर्श का स्वाम है जो अंतिम स्पर्श की ओर ले जाता है। अभिराम के लिए न्याय और व्यक्तिगत मुक्ति दोनों का वादा करता है। फैमिली एक डील की कहानी के केंद्र में अभिराम है जो अभी करिश्माई द्वारा निभाया गया है। एंटी रमनराव जूनियर प्रतिशोध की व्यायाम पे से बैकुल अभिराम एक क्रू व्यवसायी कृष्णमूर्ति कोटिल्लो द्वारा अपने परिवार पर एक किए गए अन्याय के लिए चेन्नई की चाहता है, जिसका किरदार अनुभवी अभिनेता जगपति बाबू ने निभाया है। कृष्णमूर्ति को बेटी दिग्गत के रूप में बिकुल सिंह के परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा दो हो गया है। उनकी उपस्थिति परिवराम के मिशन में एक प्रत्याशित और कृष्णमूर्ति कोटिल्लो के लिए और वे प्रफुल्ल सिंह के लिए परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा हो गया है। उनकी उपस्थिति अभिराम के मिशन एक प्रत्याशित मोड़ लाती है। क्या बुर्जी प्रेम पनपना और ये उनकी विस्तृत योजना का मोहन बन जाएगी? कलाकारों के प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद ने संभावित अभिराम के पिता की भूमिका निभाते हैं। उनकी पवित्र बदला लेने की साजिश के लिए प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अभिराम के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है और उसे अपने खतरनाक यात्रा भावनात्मक समर्थन का प्रदर्शन करता है। साथ में ये रातार नाटकीय कलाकार विश्वासघात प्रतिशोध और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की एक मनोरम खोज का वादा करता है। फैमिली एक डील जैसे तनाकू प्रमोथी के नाम से भी जाना जाता है बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुए। रिपोर्टों से पता चलता है कि फिल्म ने दुनिया भर में मानोमानी 82 करोड़ की कमाई की, जो 2016 के विनिमय दरों के आधार पर लगभग 10.6 मिलियन की। इस प्रभावशाली आंकड़े को संभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आगे अपने क्षेत्रों में एक मजबूत प्रदर्शन के बल मिला, जहां फिल्म ने कथित तौर पर 50 मिलियन के सफल थिएटर प्रदर्शन का आनंद लिया। सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत ने भी संभावित फिल्म की समग्र सफलता के आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई। हालांकि इस समय क्षेत्र या सप्ताह के अनुसार विशिष्ट विवरण मायावी हो सकता है। यह उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि फैमिली एक डील एक लाभदायक उद्यम था जो दर्शकों और आलोचनात्मकों को समान रूप से संपत आया। बारिश खिड़की से सोसे की टकराव के उमिलों के मन में चल रहे तूफान को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसका फोन काफी टेबल और अंधे मुंह भरा था। एक अधिसूचना किसी नाताने बाने भूत की तरह उसका मजाक उड़ा रही थी। समय लिखा था, तुम्हारे बारे में मोच रहा हूँ मैंने, बाद एक एकल शरारती मोजी एक आँख मारती हुई बिल्ली आई। प्रेषक एथन वो रस्म अजनबी जिसका मुलाकात एक सप्ताह पहले एक पथरीली सड़क पर थील चिताबों की दुकान पर पड़ी थी। एक आकस्मिक मुलाकात थी जिसे पहले सकारात्मक के लिए एक बाज साझा प्यार था जिन्होंने एक साथ खोजना था। वो लंबा था, उसकी आंखें दूर की आकांक्षाओं के रहस्यों के छिपाने थी और उसकी मुलाकात ग्लोसियारों की पिघलने वाली थी। उनकी बातचीत एक घिसे पीटे राग की तरह सहजता से प्रभावित हुई थी, जिसमें ऊर्जस के दर्शन के लेकर प्रेम छिपे हुए पे खोजने के लिए संभावित दशाओं की कुछ शामिल था। एक भविष्य की यात्रा उन्होंने संकेत दिया था। उसने सपना मंबर राफिस हदीस पर लिखा गया था। उसने आंख मारी, उसकी निगाहों में एक चंचल चमक थी। तब से संबंध सूचीबद्ध के दैनिक पटना पर बन गई थी। एक शाम एक नया संदेश आया था जो बुद्धि कविता और कभी कभी बस एक साधारण प्रश्न से भरा हुआ था जो उसके अस्तित्व के मूल में छेद कर दिया था। उसके अपने देखने के अपने प्यार के बारे में बात की, ऐसे ही खोज की उसने कभी कभी साथ साझा की नहीं थी। फिर भी किसी तरह से उस अज्ञात इकाई को प्रकट करने में मजबूत करती थी। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी जोन वाली अमलिया ने खुद को इन
डिजिटल एक्सपोजर की वक्त का आया है। उन्हें दिन संदेहों का इंतजार करने में बीते थे। उनकी सामने मजाकिया और जवाब मारने की गति शोध थे, लेकिन एक भयानक संदेह था जिसमें चुप होने इस इनकार कर दिया। एथन ने अपने जेट सेटिंग जीवन शैली के बारे में बात की। उनका अलग संभव हमेशा अज्ञात था। हर बार जब वो विशिष्ट बातें के लिए दबाव डालती थी तो वो एक मजाक का या विषय के बदलाव करने के बाद टाल देता था। उनकी बातचीत टेक्स्ट तक ही सीमित थी, कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो चैट नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये सावधानी से बनाया गया मनचित नाटक है और इसे डल लगता है लगा कि वो अकेला बिना समझे दर्शक था। हालांकि आज रात बारिश ने प्रेरक का काम किया। वो इस दिल में चल रहे तूफान आशा और संदेह के बीच की लड़ाई का निशाना था। उसके दिमाग पर एथन की छबिया उभरती। रोम के एक कैफे के हंसा शाम के समय के कबील टावर की रेखांचित बनाना, नेपाल में एक बर्बत की चोटी के सूर्योदय देखना, हर गुजरते पल के साथ प्रत्येक छवि अधिक वास्तविक, अधिक सजल और फिर भी अधिक दूर महसूस हुई। अपने फोन उपकरण उसने एक संदेह टाइप किया। शब्द स्पष्टता के लिए एक सजता अनुरोध था। जिथन, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो? प्रतीका, तुम्हारे तीव्र और परेशान करने वाली आई, तुम मुझे कहाँ रखना चाहते हो? अमिलिया, तुम मुझे कौन चाहती हो? यह गलत उत्तर था। अमिलिया की हड्डियों में एक ठंडा भय समा गया। वो उसकी इच्छा, उसकी गहरी चाहतों को तो था, लेकिन कुछ भी उठोट नहीं था। टाइप करने समय उनकी उंगलियों कांपने लगी। ये काम नहीं कर रहे थे। अथन, मुझे अपना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन बारे में अपने खालीपन से उसका मजाक उड़ा गया। मिनट घंटों के बदल गए, फिर भी कोई जवाब नहीं। संदेह एकदम घुटने वाली निश्चितता से बदल गया। एक असली नहीं था, एक बहुत चेचना थे, उसकी कल्पना का एक रूप। अकेलेपन के संबंध की चाहत से प्रेरित अमूल्या की आंखों में आंसू आ गए। इसके स्क्रीन धुंधली हो गई। क्या वो प्यार के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने हवा में बना दिया? लेकिन नोटिफिकेशन बार में झिलमिलाहट ने उसकी नज़र पकड़ ली। एक नया संदेश, जैसे इसी उसने उसे खोला। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। नए की पथिर सी देनदार चाहिए दौर पर उनके ले गई। उसने एक आमदनी बिठाई जो एक पहाड़ी की चोटी पर रखा था। उन्होंने भुजाएं आसमान की ओर फैली हुई थी और फोर की पहली किरण शीत के उग्र रंगों के रंगा हुआ था। नीचे कैप्शन में लिखा था कि मनगरण सपनों की दुख सपनों की शक्ति के। अमिलिया, क्या आप सहमत नहीं हैं? तस्वीर ने कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने अमिलिया के भीतर आशा की एक छोटी सी चिंगारी जगा दी। अकेलेपन दूर नहीं हुआ था, लेकिन अब ये सब खत्म करने वाला नहीं था। याद सतन थे वास्तविकता काल्पनिक, उसे चाहत चाहनों की सुंदरता का सराहना करने का एक तरीका दिखाया था। शायद इतना ही काफ़ी था। अगली सुबह अमिलिया एक नए संदेह के साथ उठी। एंड फिल्म की एक किताबों की दुकान है जो हर शनिवार को कविता पाठ के आयोजित करता है। शायद ही किसी दिन संदेश अधूरा बन रहा था, मिशन की तरह हवा में लटक गया। अमिलिया मुस्कुराई, उस संकेत मन में एक नया दृढ़ संकल्प घर कर गया था। शायद भविष्य उल्लोक्य था, अमेरिकी मुठभेड़ और डिजिटल सपनों के लिए खुला था। शायद यही इसकी खूबसूरती थी। उसने अपना कोट पकड़ा, एक बहाव के नीचे एक किताब वहीं धोई थी। बारिश रुक गई थी और अपने पीछे एक साफ संदूरी और जीवन दुनिया छोड़ गई थी। आज अमिलिया किसी संदेह का इंतजार कर रहे होंगे। आज अपने दुखद की कहानी बनाएंगे और जो वास्तविक किताबों की दुकानों कविता की रातों और शायद इसके संदेहों के मौजूद व्यक्ति जैसे रहस्यमय और दिलचस्प व्यक्ति थे के साथ मौका मुठभेड़ से भरी होगी। आखिरकार कभी कभी मुझे संदेह भी आपको उस स्थान पर ले जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप वहां पहुंच जाएंगे। वास्तविक प्रेम का स्वर्ग उनकी प्रेम कहानी कोई अब इशारों के से भरा हो तूफानों के रोमांस नहीं था। यह एक धीमी जलन थी, एक निरंतर जलन जो हरी चीज़ों पर नज़र साथ मजबूत हो गया। हर साझा रहस्य किताबों के खिड़की के नीचे फुसफुसा है। उसने एक दूसरी के आत्मा के सांत्वना मिली। पहले ही दो टुकड़े अंतत अपने लिए उत्सुक हो गया था। शायद स्तुति के मामले में सुबह हाइड्रेक पार्क की जीवंत व्यक्तियों से सीरा एथन माया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान था, उसे विकसित शब्दों के आशा वक्ता नहीं था। उनके हाथ में सनसेट फॉर्म के पुर्तगालों की घिसी पीटी प्रति बहुत कुछ कहती थी। उनके पन्ने पे बाहर निकालते हुए उनके एक काजल निकाला, उसके हाथ साथ लिखी एक कविता उनकी प्रेम कहानी एक भव्य अंत वाली परी कथा नहीं थी। और ये चोरी की नज़रों में फुसफुसाए हुआ वादा था, उनके दिलों में तारों बजाए एक किस्मती थी। यह कविता की भाषा में लिखी गई एक प्रेम कहानी थी जो शांत क्षणों के साझा किए गए सपनों के और बहुल कहने के अनकहे शब्दों में बाई जाने वाली सुंदरता का प्रमाण था।
साल बीत गए, उनके यार उनके जीवन में निरंतर मौजूद था। उनका छोटा सा अपार्टमेंट कविता संग्रह से भरी किताबों की अलमारियों से भर गया। हर एक स्मृति एक साझा पल की फुसफुसाहट थी। उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा मिली। उन्हें शब्द उस प्यार की प्रतिध्वनि थे। लेनदेन के किताब की दुकान में पनपता था। एक शाम जब उन्हें एक सहेली थी, लेनदेन के हाथ में नहीं किताब थी, उनकी माया की और देखा, उसकी मुस्कुराह हंसी और प्यार की रेखाओं से गई थी। उनकी वो कविता पढ़ी जो उसने अपनी शादी के दिन लिखी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। भीड़ में कैफे चुराई गई, निगाहों की हुई एक पार्क की फुसफुसाती बातचीत के भरी हुई थी। एथन एक प्रभावशाली फोटोग्राफर ने दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए सुंदरता ढूंढ ली। माया एक उभरती लेखिका ने अपना दिल पन्ने पर ढेल दिया। उसने शब्द कच्ची ईमानदारी से जुड़ गए थे। उन्हें इसके सिमारी को आवश्यकता नहीं थी। उनका प्यार कविता जो को नजर जोड़ जोड़ सकते हैं साझा चुम्मी के खिल उठा। उनकी आवाज़ें धमनाओं की एक काशिदकारी बन गई थी। श्रीराम कृष्णमूर्ति दुनिया में घुसपैठ करता है, संभावत उनकी कहानी में भी उसे अंदर से नीचे ले जाते हैं। इन रोमांचक यात्रा संभावत धोखे रणनीति और शायद रोमांस का स्पर्श का स्वाम है जो अंतिम स्पर्श की ओर ले जाता है। अभिराम के लिए न्याय और व्यक्तिगत मुक्ति दोनों का वादा करता है। फैमिली एक डील की कहानी के केंद्र में अभिराम है जो अभी करिश्माई द्वारा निभाया गया है। एंटी रमनराव जूनियर प्रतिशोध की व्यायाम पे से बैकुल अभिराम एक क्रू व्यवसायी कृष्णमूर्ति कोटिल्लो द्वारा अपने परिवार पर एक किए गए अन्याय के लिए चन्याय की चाहता है, जिसका किरदार अनुभवी अभिनेता जगपति बाबू ने निभाया है। कृष्णमूर्ति को बेटी दिग्गत के रूप में बिकुल सिंह के परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा दो हो गया है। उनकी उपस्थिति परिवराम के मिशन में एक प्रत्याशित और कृष्णमूर्ति कोटिल्लो के लिए और वे प्रफुल्ल सिंह के लिए परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा हो गया है। उनकी उपस्थिति अभिराम के मिशन एक प्रत्याशित मोड़ लाती है। क्या बुर्जी प्रेम पनपना और ये उनकी विस्तृत योजना का मोहन बन जाएगी? कलाकारों के प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद ने संभावित अभिराम के पिता की भूमिका निभाते हैं। उनकी पवित्र बदला लेने की साजिश के लिए प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अभिराम के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है और उसे अपने खतरनाक यात्रा भावनात्मक समर्थन का प्रदर्शन करता है। साथ में ये रातार नाटकीय कलाकार विश्वासघात प्रतिशोध और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की एक मनोरम खोज का वादा करता है। फैमिली एक डील जैसे तनाकू प्रमोथी के नाम से भी जाना जाता है बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुए। रिपोर्टों से पता चलता है कि फिल्म ने दुनिया भर में मानोमानी 82 करोड़ की कमाई की, जो 2016 के विनिमय दरों के आधार पर लगभग 10.6 मिलियन की। इस प्रभावशाली आंकड़े को संभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आगे अपने क्षेत्रों में एक मजबूत प्रदर्शन के बल मिला, जहां फिल्म ने कथित तौर पर 50 मिलियन के सफल थिएटर प्रदर्शन का आनंद लिया। सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत ने भी संभावित फिल्म की समग्र सफलता के आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई। हालांकि इस समय क्षेत्र या सप्ताह के अनुसार विशिष्ट विवरण माया भी हो सकता है। यह उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि फैमिली एक डील एक लाभदायक उद्यम था जो दर्शकों और आलोचनात्मकों को समान रूप से संपत आया। बारिश खिड़की से सोसे की टकराव के उमिलों के मन में चल रहे तूफान को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसका फोन काफी टेबल और अंधे मुंह भरा था। एक अधिसूचना किसी नाताने बाने भूत की तरह उसका मजाक उड़ा रही थी। समय लिखा था तुम्हारे बारे में मोच रहा हूँ मैंने बाद एक एकल शरारती मोजी एक आँख मारती हुई बिल्ली आई प्रेषक एथन वो रस्म अजनबी जिसका मुलाकात एक सप्ताह पहले एक पथरीली सड़क पर थील चिताबों की दुकान पर पड़ी थी। एक आकस्मिक मुलाकात थी जिसे पहले सकारात्मक के लिए एक बाज साझा प्यार था जिन्होंने एक साथ खोजना था। वो लंबा था, उसकी आंखें दूर की आकांक्षाओं के रहस्यों के छिपाने थी और उसकी मुलाकात ग्लोसियारों की पिघलने वाली थी। उनकी बातचीत एक घिसे पीटे राग की तरह सजता से प्रभावित हुई थी जिसमें मुर्जिस के दर्शन के लेकर प्रेम छिपे हुए पे खोजने के लिए संभावित दशाओं की कुछ शामिल था। एक भविष्य की यात्रा उन्होंने संकेत दिया था। उसने सपना मंबर राफिस हदीस पर लिखा गया था। उसने आंख मारी, उसकी निगाहों में एक चंचल चमक थी। तब से संबंध सूचीबद्ध के दैनिक पटना पर बन गई थी। एक शाम एक नया संदेश आया था जो बुद्धि कविता और कभी कभी बस एक साधारण प्रश्न से भरा हुआ था जो उसके सतीत्व के मूल में छेद कर दिया था। उसके अपने देखने के अपने प्यार के बारे में बात की ऐसे ही खोज की उसने कभी कभी साथ साझा की नहीं थी। फिर भी किसी तरह से उसे अज्ञात इकाई को प्रकट करने में मजबूत करती थी। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी जोन वाली अमलिया ने खुद को इन
डिजिटल एक्सपोजर की वक्त को आया है। उन्हें दिन संदेहों का इंतजार करने में बीते थे। उनकी सामने मजाकिया और जवाब मारने की गति शोध थे, लेकिन एक भयानक संदेह था जिसमें चुप होने इस इनकार कर दिया। एथन ने अपने जेट सेटिंग जीवन शैली के बारे में बात की। उनका अलग संभव हमेशा अज्ञात था। हर बार जब वो विशिष्ट बातें के लिए दबाव डालती थी तो वो एक ग्रह मजाक का या विषय के बदलाव करने के बाद टाल देता था। उनकी बातचीत टेक्स्ट तक ही सीमित थी, कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो चैट नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये सावधानी से बनाया गया मनचित नाटक है और इसे डल लगता लगा कि वो अकेला बिना समझे दर्शक था। हालांकि आज रात बारिश ने प्रेरक का काम किया। वो इस दिल में चल रहे तूफान आशा और संदेह के बीच की लड़ाई का निशाना था। उसके दिमाग पर एथन की छबिया उभरती। रोम के एक कैफे के हंसा शाम के समय के कबील टावर की रेखांचित बनाना, नेपाल में एक बर्बत की चोटी के सूर्योदय देखना, हर गुजरते पल के साथ प्रत्येक छवि अधिक वास्तविक, अधिक सजल और फिर भी अधिक दूर महसूस हुई। अपने फोन उपकरण उसने एक संदेह टाइप किया। शब्द स्पष्टता के लिए एक सजता अनुरोध था। जिथन, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो? प्रतीका, तुम्हारे तीव्र और परेशान करने वाली आई, तुम मुझे कहाँ रखना चाहते हो? अमेलिया, तुम मुझे कौन चाहती हो? यह गलत उत्तर था। अमेलिया की हड्डियों में एक ठंडा भय समा गया। वो उसकी इच्छा, उसकी गहरी चाहतों को तो था, लेकिन कुछ भी उठोट नहीं था। टाइप करने समय उनकी उंगलियों कांपने लगी। ये काम नहीं कर रहे थे। अथन, मुझे अपना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन बारे में अपने खालीपन से उसका मजाक उड़ा गया। मिनट घंटों के बदल गए, फिर भी कोई जवाब नहीं। संदेह एकदम घुटने वाली निश्चितता से बदल गया। एक असली नहीं था, एक बहुत चेचना थे, उसकी कल्पना का एक रूप। अकेलेपन के संबंध की चाहत से प्रेरित अमेलिया की आंखों में आंसू आ गए। इसके स्क्रीन धुंधली हो गई। क्या वो प्यार के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने हवा में बना दिया? लेकिन नोटिफिकेशन बार में झिलमिलाहट ने उसकी नज़र पकड़ ली। एक नया संदेश, जैसे इसी उसने उसे खोला। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। नए की पथिर सी देनदार चाहिए दौर पर उनके ले गई। उसने एक आमदनी बिठाई जो एक पहाड़ी की चोटी पर रखा था। उन्होंने भुजाएं आसमान की ओर फैली हुई थी और फोर की पहली किरण शीत के उग्र रंगों के रंगा हुआ था। नीचे कैप्शन में लिखा था कि मनगरण सपनों की दुख सपनों की शक्ति के। अमेलिया, क्या आप सहमत नहीं हैं? तस्वीर ने कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने अमेलिया के भीतर आशा की एक छोटी सी चिंगारी जगा दी। अकेलेपन दूर नहीं हुआ था, लेकिन अब ये सब खत्म करने वाला नहीं था। याद सतन थे वास्तविकता काल्पनिक, उसे चाहत चाहनों की सुंदरता का सराहना करने का एक तरीका दिखाया था। शायद इतना ही काफ़ी था। अगली सुबह अमेलिया एक नए संदेह के साथ उठी। एंड फिल्म की एक किताबों की दुकान है जो हर शनिवार को कविता पाठ के आयोजित करता है। शायद ही किसी दिन संदेश अधूरा बन रहा था, मिशन की तरह हवा में लटक गया। अमेलिया मुस्कुराई, उस संकेत मन में एक नया दृढ़ संकल्प घर कर गया था। शायद भविष्य उल्लोख्य था, अमेरिकी मुठभेड़ और डिजिटल सपनों के लिए खुला था। शायद यही इसकी खूबसूरती थी। उसने अपना कोट पकड़ा, एक बहाव के नीचे एक किताब वहीं धोई थी। बारिश रुक गई थी और अपने पीछे एक साफ संदूरी और जीवन दुनिया छोड़ गई थी। आज अमेलिया किसी संदेह का इंतजार कर रहे होंगे। आज अपने दुखद की कहानी बनाएंगे और जो वास्तविक किताबों की दुकानों कविता की रातों और शायद इसके संदेहों के मौजूद व्यक्ति जैसे रहस्यमय और दिलचस्प व्यक्ति थे के साथ मौका मुठभेड़ से भरी होगी। आखिरकार कभी कभी मुझे संदेह भी आपको उस स्थान पर ले जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप वहां पहुंच जाएंगे। वास्तविक प्रेम का स्वर्ग उनकी प्रेम कहानी कोई अब इशारों के से भरा हो तूफानों के रोमांस नहीं था। यह एक धीमी जलन थी, एक निरंतर जलन जो हरी चीज़ों पर नज़र साथ मजबूत हो गया। हर साझा रहस्य किताबों के खिड़की के नीचे फुसफुसा है। उसने एक दूसरी के आत्मा के सांत्वना मिली। पहले ही दो टुकड़े अंतत अपने लिए उत्सुक हो गया था। शायद स्तुति के मामले में सुबह हाइड्रेक पार्क की जीवंत व्यक्तियों से सीरा एथन माया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान था, उसे विकसित शब्दों के आशा वक्ता नहीं था। उनके हाथ में सनसेट फॉर्म के पुर्तगालों की घिसी पीटी प्रति बहुत कुछ कहती थी। उनके पन्ने पे बाहर निकालते हुए उनके एक काजल निकाला, उसने हादसा लिखी एक कविता। उनकी प्रेम कहानी एक भव्य अंत वाली परी कथा नहीं थी, और ये चोरी की नज़रों में फुसफुसाए हुआ वादा था। उनके दिलों में तारों बजाय एक किस्मती थी। यह कविता की भाषा में लिखी गई एक प्रेम कहानी थी जो शांत क्षणों के साझा किए गए सपनों के और बहुल कहने के अनकहे शब्दों में बाई जाने वाली सुंदरता का प्रमाण था।
साल बीत गए, उनके यार उनके जीवन में निरंतर मौजूद था। उनका छोटा सा अपार्टमेंट कविता संग्रह से भरी किताबों की अलमारियों से भर गया। हर एक स्मृति एक साझा पल की पुष्पसाहट थी। उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा मिली। उन्हें शब्द उस प्यार की प्रतिध्वनि थे। लेनदेन के किताब की दुकान में पनपता था। एक शाम जब उन्हें एक सहेली थी, लेनदेन के हाथ में नहीं किताब थी, उनकी माया की ओर देखा, उसकी मुस्कुराह हंसी और प्यार की रेखाओं से गई थी। उनकी वो कविता पढ़ी जो उसने अपनी शादी के दिन लिखी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। भीड़ में कैफे चुराई निगाहों की हुई एक पार्क की फुसफुसाती बातचीत के भरी हुई थी। एथन एक प्रभावशाली फोटोग्राफर ने दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए सुंदरता ढूंढ ली। माया एक उभरती लेखिका ने अपना दिल पन्ने पर ढेल दिया। उसने शब्द कच्ची ईमानदारी से जुड़ गए थे। उन्हें इसके सिमारी को आवश्यकता नहीं थी। उनका प्यार कविता जो को नजर जोड़ जोड़ सकते साझा चुम्मी के खिल उठा। उनकी आवाज़ें धमनाओं की एक काशिदकारी बन गई थी। श्रीराम कृष्णमूर्ति दुनिया में घुसपैठ करता है, संभावत उनकी कहानी में भी उसे अंदर से नीचे ले जाते हैं। इन रोमांचक यात्रा संभावत धोखे रणनीति और शायद रोमांस का स्पर्श का स्वाम है जो अंतिम स्पर्श की ओर ले जाता है। अभिराम के लिए न्याय और व्यक्तिगत मुक्ति दोनों का वादा करता है। फैमिली एक डील की कहानी के केंद्र में अभिराम है जो अभी करिश्मा ही द्वारा निभाया गया है। एंटी रमाराव जूनियर प्रतिशोध की व्यायाम पे से बैकुल अभिराम एक क्रू व्यवसायी कृष्णमूर्ति कोटिल्लो द्वारा अपने परिवार पर एक किए गए अन्याय के लिए चेन्नई की चाहता है, जिसका किरदार अनुभवी अभिनेता जगपति बाबू ने निभाया है। कृष्णमूर्ति को बेटी दिग्गत के रूप में बिकुल सिंह के परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा दो हो गया है। उनकी उपस्थिति परिवराम के मिशन में एक प्रत्याशित और कृष्णमूर्ति कोटिल्लो के लिए और वे प्रफुल्ल सिंह के लिए परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा हो गया है। उनकी उपस्थिति अभिराम के मिशन एक प्रत्याशित मोड़ लाती है। क्या बुर्जी प्रेम पनपना और ये उनकी विस्तृत योजना का मोहन बन जाएगी? कलाकारों के प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद ने संभावित अभिराम के पिता की भूमिका निभाते हैं। उनकी पवित्र बदला लेने की साजिश के लिए प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अभिराम के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है और उसे अपने खतरनाक यात्रा भावनात्मक समर्थन का प्रदर्शन करता है। साथ में ये रातार नाटकीय कलाकार विश्वासघात प्रतिशोध और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की एक मनोरम खोज का वादा करता है। फैमिली एक डील जैसे तनाकू प्रमोथी के नाम से भी जाना जाता है, बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुए। रिपोर्टों से पता चलता है कि फिल्म ने दुनिया भर में मानोमानी 82 करोड़ की कमाई की, जो 2016 के विनिमय दरों के आधार पर लगभग 10.6 मिलियन की। इस प्रभावशाली आंकड़े को संभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आगे अपने क्षेत्रों में एक मजबूत प्रदर्शन के बल मिला, जहां फिल्म ने कथित तौर पर 50 मिलियन के सफल थिएटर प्रदर्शन का आनंद लिया। सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत ने भी संभावित फिल्म की समग्र सफलता के आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई। हालांकि इस समय क्षेत्र या सप्ताह के अनुसार विशिष्ट विवरण मायावी हो सकता है। यह उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि फैमिली एक डील एक लाभदायक उद्यम था जो दर्शकों और आलोचनात्मकों को समान रूप से संपत आया। बारिश खिड़की से सोसे की टकराव के उम्मीदों के मन में चल रहे तूफान को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसका फोन काफी टेबल और अंधे मुंह भरा था। एक अधिसूचना किसी नाताने बाने भूत की तरह उसका मजाक उड़ा रही थी। समय लिखा था तुम्हारे बारे में मोच रहा हूँ मैंने बाद एक एकल शरारती मोजी एक आँख मारती हुई बिल्ली आई प्रेषक एथन वो रस्म अजनबी जिसका मुलाकात एक सप्ताह पहले एक पथरीली सड़क पर थील चिताबों की दुकान पर पड़ी थी। एक आकस्मिक मुलाकात थी जिसे पहले सकारात्मक के लिए एक बाज साझा प्यार था जिन्होंने एक साथ खोजना था। वो लंबा था, उसकी आंखें दूर की आकांक्षाओं के रहस्यों के छिपाने थी और उसकी मुलाकात ग्लोसियारों की पिघलने वाली थी। उनकी बातचीत एक घिसे पीटे राग की तरह सहजता से प्रभावित हुई थी जिसमें मुर्जिस के दर्शन के लिए प्रेम छिपे हुए पे खोजने के लिए संभावित दशाओं की कुछ शामिल था। एक भविष्य की यात्रा उन्होंने संकेत दिया था। उसने सपना मंबर राफिस हदीस पर लिखा गया था। उसने आंख मारी, उसकी निगाहों में एक चंचल चमक थी। तब से संबंध सूचीबद्ध के दैनिक पटना पर बन गई थी। एक शाम एक नया संदेश आया था जो बुद्धि कविता और कभी कभी बस एक साधारण प्रश्न से भरा हुआ था जो उसके सतीत्व के मूल में छेद कर दिया था। उसके अपने देखने के अपने प्यार के बारे में बात की, ऐसे ही खोज की उसने कभी कभी साथ साझा की नहीं थी। फिर भी किसी तरह से उसे अज्ञात इकाई को प्रकट करने में मजबूत करती थी। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी जोन वाली अमलिया ने खुद को डिजिटल एक्सपोजर की वक्त गया है। उन्हें दिन संदेहों का इंतजार करने में
बीते थे। उनकी सामने मजाकिया और जवाब मारने की गति सोच थे, लेकिन एक भयानक देव था जिसने चुप होने इस इनकार कर दिया। एथन ने अपने जेट सेटिंग जीवन शैली के बारे में बात की। उनका अलग संभव हमेशा अज्ञात था। हर बार जब वो विशिष्ट बातें के लिए दबाव डालती थी तो वो एक ग्रह मजाक का या विषय के बदलाव करने के बाद टाल देता था। उनकी बातचीत टेक्स्ट तक ही सीमित थी, कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो चैट नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये सावधानी से बनाया गया मनचित नाटक है और इसे डल लगता है लगा कि वो अकेला बिना समझे दर्शक था। हालांकि आज रात बारिश ने प्रेरक का काम किया। वो इस दिल में चल रहे तूफान आशा और संदेह के बीच की लड़ाई का निशाना था। उसके दिमाग पर एथन की छबिया उभरती। रोम के एक कैफे के हंसा शाम के समय के कबील टावर की रेखांचित बनाना, नेपाल में एक बर्बत की चोटी के सूर्योदय देखना, हर गुजरते पल के साथ प्रत्येक छवि अधिक वास्तविक, अधिक सजल और फिर भी अधिक दूर महसूस हुई। अपने फोन उपकरण उसने एक संदेह टाइप किया। शब्द स्पष्टता के लिए एक सजता अनुरोध था। जिथन, तुम कहाँ हो? तुम कौन हो? प्रतीका, तुम्हारे तीव्र और परेशान करने वाली आई, तुम मुझे कहाँ रखना चाहते हो? अमेलिया, तुम मुझे कौन चाहती हो? यह गलत उत्तर था। अमेलिया की हड्डियों में एक ठंडा भय समा गया। वो उसकी इच्छा, उसकी गहरी चाहतों को तो था, लेकिन कुछ भी उठोट नहीं था। टाइप करने समय उनकी उंगलियों कांपने लगी। ये काम नहीं कर रहे थे। अथन, मुझे अपना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन बारे में अपने खालीपन से उसका मजाक उड़ा गया। मिनट घंटों के बदल गए, फिर भी कोई जवाब नहीं। संदेह एकदम घुटने वाली निश्चितता से बदल गया। एक असली नहीं था, एक बहुत चेचना थे, उसकी कल्पना का एक रूप, अकेलेपन के संबंध की चाहत से प्रेरित। अमेलिया की आंखों में आंसू आ गए, इसके स्क्रीन धुंधली हो गई। क्या वो प्यार के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने हवा में बना दिया? लेकिन नोटिफिकेशन बार में झिलमिलाहट ने उसकी नज़र पकड़ ली। एक नया संदेश, जैसे इसी उसने उसे खोला, उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। नए की पथिर सी देनदार चाहिए दौर पर उनके ले गई। उसने एक आमदनी बिठाई जो एक पहाड़ी की चोटी पर रखा था। उन्होंने भुजाएं आसमान की ओर फैली हुई थी और फोर की पहली किरण शीत के उग्र रंगों के रंगा हुआ था। नीचे कैप्शन में लिखा था कि मनगरण सपनों की दुख सपनों की शक्ति के। अमेलिया, क्या आप सहमत नहीं हैं? तस्वीर ने कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने अमेलिया के भीतर आशा की एक छोटी सी चिंगारी जगा दी। अकेलेपन दूर नहीं हुआ था, लेकिन अब ये सब खत्म करने वाला नहीं था। याद सतन थे वास्तविकता काल्पनिक, उसे चाहत चाहनों की सुंदरता का सराहना करने का एक तरीका दिखाया था। शायद इतना ही काफ़ी था। अगली सुबह अमेलिया एक नए संदेह के साथ उठी। एंड फिल्म के एक किताबों की दुकान है जो हर शनिवार को कविता पाठ के आयोजित करता है। शायद ही किसी दिन संदेश अधूरा बन रहा था, मिशन की तरह हवा में लटक गया। अमेलिया मुस्कुराई, उस संकेत मन में एक नया दृढ़ संकल्प घर कर गया था। शायद भविष्य उल्लोक्य था, मुठभेड़ और डिजिटल सपनों के लिए खुला था। शायद यही इसकी खूबसूरती थी। उसने अपना कोट पकड़ा, एक बहाव के नीचे एक किताब वहीं धोई थी। बारिश रुक गई थी और अपने पीछे एक साफ संदूरी और जीवन दुनिया छोड़ गई थी। आज अमेलिया किसी संदेह का इंतजार कर रहे होंगे, आज अपने दुखद की कहानी बनाएंगे। आओ, जो वास्तविक किताबों की दुकानों, कविता की रातों और शायद इसके संदेहों के मौजूद व्यक्ति जैसे रहस्यमय और दिलचस्प व्यक्ति थे के साथ मौका मुठभेड़ से भरी होगी। आखिरकार कभी कभी मुझे संदेह भी आपको उस स्थान पर ले जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप वहां पहुंच जाएंगे। वास्तविक प्रेम का स्वर्ग उनकी प्रेम कहानी कोई अबो इशारों के से भरा हो तूफानों के रोमांस नहीं था। यह एक धीमी जलन थी, एक निरंतर जलन जो हरी चीज़ों पर नज़र साथ मजबूत हो गया। हर साझा रहस्य किताबों के खिड़की के नीचे फुसफुसा है। उसने एक दूसरी के आत्मा के सांत्वना मिली। पहले ही दो टुकड़े अंतत अपने लिए उत्सुक हो गया था। शायद स्तुति के मामले में सुबह हाइड्रेक पार्क की जीवंत व्यक्तियों से सीरा एथन माया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान था, उसे विकसित शब्दों के आशा वक्ता नहीं था। उनके हाथ में सनसेट फॉर्म के पुर्तगालों की घिसी पीटी प्रति बहुत कुछ कहती थी। उनके पन्ने पे बाहर निकालते हुए उनके एक काजल निकाला, उसने हादसा लिखी एक कविता, उनकी प्रेम कहानी एक भव्य अंत वाली परी कथा नहीं थी। और ये चोरी की नज़रों में फुसफुसाए हुआ वादा था, उनके दिलों में तारों बजाय एक किस्मती थी। यह कविता की भाषा में लिखी गई एक प्रेम कहानी थी जो शांत क्षणों के साझा किए गए सपनों के और बहुल कहने के अनकहे शब्दों में बाई जाने वाली सुंदरता का प्रमाण था।
साल बीत गए, उनके यार उनके जीवन में निरंतर मौजूद था। उनका छोटा सा अपार्टमेंट कविता संग्रह से भरी किताबों की अलमारियों से भर गया। हर एक स्मृति एक साझा पल की पुष्पसाहट थी। उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा मिली। उन्हें शब्द उस प्यार की प्रतिध्वनि थे। लेनदेन के किताब की दुकान में पनपता था। एक शाम जब उन्हें एक सहेली थी, अंथन के हाथ में नहीं किताब थी, उनकी माया की और देखा, उसकी मुस्कुराह हंसी और प्यार की रेखाओं से गई थी। उनकी वो कविता पढ़ी जो उसने अपनी शादी के दिन लिखी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। भीड़ में कैफे चुराई निगाहों की हुई एक पार्क की फुसफुसाती बातचीत के भरी हुई थी। एथन एक प्रभावशाली फोटोग्राफर ने दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए सुंदरता ढूंढ ली। माया एक उभरती लेखिका ने अपना दिल पन्ने पर ढेल दिया। उसने शब्द कच्ची ईमानदारी से जुड़ गए थे। उन्हें इसके सिमारी को आवश्यकता नहीं थी। उनका प्यार कविता जो को नजर जोड़ जोड़ सकते साझा चुम्मी के खिल उठा। उनकी आवाज़ें धमनाओं की एक कसीदगारी बन गई थी। श्रीराम कृष्णमूर्ति दुनिया में घुसपैठ करता है, संभावत उनकी कहानी में भी उसे अंदर से नीचे ले जाते हैं। इन रोमांचक यात्रा संभावत धोखे रणनीति और शायद रोमांस का स्पर्श का स्वाम है जो अंतिम स्पर्श की ओर ले जाता है। अभिराम के लिए न्याय और व्यक्तिगत मुक्ति दोनों का वादा करता है। फैमिली एक डील की कहानी के केंद्र में अभिराम है जो अभी करिश्मा ही द्वारा निभाया गया है। एंटी रमाराव जूनियर प्रतिशोध की व्यायाम पे से बैकुल अभिराम एक क्रू व्यवसायी कृष्णमूर्ति कोटिल्लो द्वारा अपने परिवार पर एक किए गए अन्याय के लिए चेन्नई की चाहता है, जिसका किरदार अनुभवी अभिनेता जगपति बाबू ने निभाया है। कृष्णमूर्ति को बेटी दिग्गत के रूप में बिकुल सिंह के परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा दो हो गया है। उनकी उपस्थिति परिवराम के मिशन में एक प्रत्याशित और कृष्णमूर्ति कोटिल्लो के लिए और वे प्रफुल्ल सिंह के लिए परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा हो गया है। उनकी उपस्थिति अभिराम के मिशन एक प्रत्याशित मोड़ लाती है। क्या बुर्जी प्रेम पनपना और ये उनकी विस्तृत योजना का मोहन बन जाएगी? कलाकारों के प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद ने संभावित अभिराम के पिता की भूमिका निभाते हैं। उनकी पवित्र बदला लेने की साजिश के लिए प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अभिराम के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है और उसे अपने खतरनाक यात्रा भावनात्मक समर्थन का प्रदर्शन करता है। साथ में ये रातार नाटकीय कलाकार प्रतिशोध और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की एक मनोरम खोज का वादा करता है। फैमिली एक डील जैसे तनाकू प्रमोथी के नाम से भी जाना जाता है, बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुए। रिपोर्टों से पता चलता है कि फिल्म ने दुनिया भर में मानोमानी 82 करोड़ की कमाई की, जो 2016 के विनिमय दरों के आधार पर लगभग 10.6 मिलियन की। इस प्रभावशाली आंकड़े को संभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आगे अपने क्षेत्रों में एक मजबूत प्रदर्शन के बल मिला, जहां फिल्म ने कथित तौर पर 50 मिलियन के सफल थिएटर प्रदर्शन का आनंद लिया। सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत ने भी संभावित फिल्म की समग्र सफलता के आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई। हालांकि इस समय क्षेत्र या सप्ताह के अनुसार विशिष्ट विवरण मायावी हो सकता है। यह उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि फैमिली एक डील एक लाभदायक उद्यम था जो दर्शकों और आलोचनात्मकों को समान रूप से संपत आया। बारिश खिड़की से सोसे की टकराव के उमिलों के मन में चल रहे तूफान को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसका फोन काफी टेबल और अंधे मुंह भरा था। एक अधिसूचना किसी नाताने बाने भूत की तरह उसका मजाक उड़ा रही थी। समय लिखा था, तुम्हारे बारे में मोच रहा हूँ मैंने, बाद एक एकल शरारती मोजी एक आँख मारती हुई बिल्ली आई। प्रेषक एथन वो रस्म अजनबी जिसका मुलाकात एक सप्ताह पहले एक पथरीली सड़क पर थील चिताबों की दुकान पर पड़ी थी। एक आकस्मिक मुलाकात थी जिसे पहले सकारात्मक के लिए एक बाज साझा प्यार था जिन्होंने एक साथ खोजना था। वो लंबा था, उसकी आंखें दूर की आकांक्षाओं के रहस्यों के छिपाने थी और उसकी मुलाकात ग्लोसियारों की पिघलने वाली थी। उनकी बातचीत एक घिसे पीटे राग की तरह सहजता से प्रभावित हुई थी, जिसमें वर्जस के दर्शन के लिए प्रेम छिपे हुए पे खोजने के लिए संभावित दशाओं की कुछ शामिल था। एक भविष्य की यात्रा उन्होंने संकेत दिया था, उसने सपना मंबर राफिस हदीस पर लिखा गया था। उसने आंख मारी, उसकी निगाहों में एक चंचल चमक थी। तब से संबंध सूचीबद्ध के दैनिक पटना पर बन गई थी। एक शाम एक नया संदेश आया था जो बुद्धि कविता और कभी कभी बस एक साधारण प्रश्न से भरा हुआ था जो उसके सतीत्व के मूल में छेद कर दिया था। उसके अपने देखने के अपने प्यार के बारे में बात की, ऐसे ही खोज की उसने कभी कभी साथ साझा की नहीं थी। फिर भी किसी तरह से उसे अज्ञात इकाई को प्रकट करने में मजबूत करती थी। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी जोन वाली अमलिया ने खुद को इन डिजिटल एक्सपोजर की वक्त गाया।
उन्हें दिन संदेहों का इंतजार करने में बीते थे। उनकी सामने मजाकिया और जवाब मारने की गति सोच थे, लेकिन एक भयानक संदेह था जिसमें चुप होने इस इनकार कर दिया। एथन ने अपने जेट सेटिंग जीवन शैली के बारे में बात की। उनका अलग संभव हमेशा अज्ञात था। हर बार जब वो विशिष्ट बातें के लिए दबाव डालती थी तो वो एक ग्रह मजाक का या विषय के बदलाव करने के बाद टाल देता था। उनकी बातचीत टेक्स्ट तक ही सीमित थी, कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो चैट नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये सावधानी से बनाया गया मनचित नाटक है और इसे डल लगता है लगा कि वो अकेला बिना समझे दर्शक था। हालांकि आज रात बारिश ने प्रेरक का काम किया। वो इस दिल में चल रहे तूफान आशा और संदेह के बीच की लड़ाई का निशाना था। उसके दिमाग पर एथन की छबिया उभरती। रोम के एक कैफे के हंसा शाम के समय के कबील टावर की रेखांचित बनाना, नेपाल में एक बर्बत की चोटी के सूर्योदय देखना, हर गुजरते पल के साथ प्रत्येक छवि अधिक वास्तविक, अधिक सजल और फिर भी अधिक दूर महसूस हुई। अपने फोन उपकरण उसने एक संदेह टाइप किया। शब्द स्पष्टता के लिए एक सजता अनुरोध था। जिथन, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो? प्रतीका, तुम्हारे तीव्र और परेशान करने वाली आई, तुम मुझे कहाँ रखना चाहते हो? अमेलिया, तुम मुझे कौन चाहती हो? यह गलत उत्तर था। अमेलिया की हड्डियों में एक ठंडा भय सभा गया। उसकी इच्छा, उसकी गहरी चाहतों को तो था, लेकिन कुछ भी उठोट नहीं था। टाइप करते समय उनकी उंगलियों कांपने लगी। ये काम नहीं कर रहे थे। अथन, मुझे अपना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन बारे में अपने खालीपन से उसका मजाक उड़ा गया। मिनट घंटों के बदल गए, फिर भी कोई जवाब नहीं। संदेह एकदम घुटने वाली निश्चितता से बदल गया। एक असली नहीं था, एक बहुत चेचना थे, उसकी कल्पना का एक रूप, अकेलेपन के संबंध की चाहत से प्रेरित। अमूल्या की आंखों में आंसू आ गए, इसके स्क्रीन धुंधली हो गई। क्या वो प्यार के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने हवा में बना दिया? लेकिन नोटिफिकेशन बार में झिलमिलाहट ने उसकी नज़र पकड़ ली। एक नया संदेश, जैसे इसी उसने उसे खोला। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। नए की पृथ्वी सी देनदार चाहिए दौर पर उनके ले गई। उसने एक आमदनी बिठाई जो एक पहाड़ी की चोटी पर रखा था। उन्होंने भुजाएं आसमान की ओर फैली हुई थी और फोर की पहली किरण शीत के उग्र रंगों के रंगा हुआ था। नीचे कैप्शन में लिखा था कि मनगरण सपनों की दुख सपनों की शक्ति की। अमेलिया, क्या आप सहमत नहीं हैं? तस्वीर ने कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने अमेलिया के भीतर आशा की एक छोटी सी चिंगारी जगा दी। अकेलेपन दूर नहीं हुआ था, लेकिन अब ये सब खत्म करने वाला नहीं था। याद सतन थे वास्तविकता काल्पनिक, उसे चाहत चाहनों की सुंदरता का सराहना करने का एक तरीका दिखाया था। शायद इतना ही काफ़ी था। अगली सुबह अमेलिया एक नए संदेह के साथ उठी। एंड फिल्म की एक किताबों की दुकान है जो हर शनिवार को कविता पाठ के आयोजित करता है। शायद ही किसी दिन संदेश अधूरा बन रहा था, मिशन की तरह हवा में लटक गया। अमेलिया मुस्कुराई, उस संकेत मन में एक नया दृढ़ संकल्प घर कर गया था। शायद भविष्य उल्लोक्य था, मुठभेड़ और डिजिटल सपनों के लिए खुला था। शायद यही इसकी खूबसूरती थी। उसने अपना कोट पकड़ा, एक बहाव के नीचे एक किताब वहीं धोई थी। बारिश रुक गई थी और अपने पीछे एक साफ संदूरी और जीवन दुनिया छोड़ गई थी। आज अमेलिया किसी संदेह का इंतजार कर रहे होंगे, आज अपने दुखद की कहानी बनाएंगे और जो वास्तविक किताबों की दुकानों कविता की रातों और शायद इसके संदेहों के मौजूद व्यक्ति जैसे रहस्यमय और दिलचस्प व्यक्ति थे के साथ मौका मुठभेड़ से भरी होगी। आखिरकार कभी कभी मुझे संदेह भी आपको उस स्थान पर ले जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप वहां पहुंच जाएंगे। वास्तविक प्रेम का स्वर्ग उनकी प्रेम कहानी कोई अब इशारों के से भरा हो तूफानों के रोमांस नहीं था। यह एक धीमी जलन थी, एक निरंतर जलन जो हरी चीज़ों पर नज़र साथ मजबूत हो गया। हर साझा रहस्य किताबों के खिड़की के नीचे फुसफुसा है। उसने एक दूसरी के आत्मा के सांत्वना मिली। पहले ही दो टुकड़े अंतत अपने लिए उत्सुक हो गया था। शायद स्तुति के मामले में सुबह हाइड्रेक पार्क की जीवंत व्यक्तियों से सीरा एथन माया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान था, उसे विकसित शब्दों के आशा वक्ता नहीं था। उनके हाथ में सनसेट फॉर्म के पुर्तगालों की घिसी पीटी प्रति बहुत कुछ कहती थी। उनके पन्ने पे बाहर निकालते हुए उनके एक काजल निकाला, उसने हादसा लिखी एक कविता। उनकी प्रेम कहानी एक भव्य अंत वाली परी कथा नहीं थी और ये चोरी की नज़रों में फुसफुसाए हुआ वादा था। उनके दिलों में तारों बजाय एक किस्मती थी। यह कविता की भाषा में लिखी गई एक प्रेम कहानी थी जो शांत क्षणों के साझा किए गए सपनों के और बहुल कहने के अनकहे शब्दों में बाई जाने वाली सुंदरता का प्रमाण था।
साल बीत गए, उनके यार उनके जीवन में निरंतर मौजूद था। उनका छोटा सा अपार्टमेंट कविता संग्रह से भरी किताबों की अलमारियों से भर गया। हर एक स्मृति एक साझा पल की पुष्पसाहट थी। उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा मिली। उन्हें शब्द उस प्यार की प्रतिध्वनि थे। लेनदेन के किताब की दुकान में पनपता था। एक शाम जब उन्हें एक सहेली थी, लेनदेन के हाथ में नहीं किताब थी, उनकी माया की ओर देखा, उसकी मुस्कुराह हंसी और प्यार की रेखाओं से गई थी। उनकी वो कविता पढ़ी जो उसने अपनी शादी के दिन लिखी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। भीड़ में कैफे चुराई निगाहों की हुई एक पार्क की फुसफुसाती बातचीत के भरी हुई थी। एथन एक प्रभावशाली फोटोग्राफर ने दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए सुंदरता ढूंढ ली। माया एक उभरती लेखिका ने अपना दिल पन्ने पर ढेल दिया। उसने शब्द कच्ची ईमानदारी से जुड़ गए थे। उन्हें इसके सिमारी को आवश्यकता नहीं थी। उनका प्यार कविता जो को नजर जोड़ जोड़ सकते साझा चुम्मी के खिल उठा। उनकी आवाज़ें धमनाओं की एक कसीदगारी बन गई थी। श्रीराम कृष्णमूर्ति दुनिया में घुसपैठ करता है, संभावत उनकी कहानी में भी उसे अंदर से नीचे ले जाते हैं। इन रोमांचक यात्रा संभावत धोखे रणनीति और शायद रोमांस का स्पर्श का स्वाम है जो अंतिम स्पर्श की ओर ले जाता है। अभिराम के लिए न्याय और व्यक्तिगत मुक्ति दोनों का वादा करता है। फैमिली एक डील की कहानी के केंद्र में अभिराम है जो अभी करिश्मा ही द्वारा निभाया गया है। एंटी रमाराव जूनियर प्रतिशोध की व्यायाम पे से बैकुल अभिराम एक क्रू व्यवसायी कृष्णमूर्ति कोटिल्लो द्वारा अपने परिवार पर एक किए गए अन्याय के लिए चेन्नई की चाहता है, जिसका किरदार अनुभवी अभिनेता जगपति बाबू ने निभाया है। कृष्णमूर्ति को बेटी दिग्गत के रूप में बिकुल सिंह के परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा दो हो गया है। उनकी उपस्थिति परिवराम के मिशन में एक प्रत्याशित और कृष्णमूर्ति कोटिल्लो के लिए और वे प्रफुल्ल सिंह के लिए परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा हो गया है। उनकी उपस्थिति अभिराम के मिशन एक प्रत्याशित मोड़ लाती है। क्या बुर्जी प्रेम पनपना और ये उनकी विस्तृत योजना का मोहन बन जाएगी? कलाकारों के प्रतिबिंबित राजेंद्र प्रसाद ने संभावित अभिराम के पिता की भूमिका निभाते हैं। उनकी पवित्र बदला लेने की साजिश के लिए प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अभिराम के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है और उसे अपने खतरनाक यात्रा भावनात्मक समर्थन का प्रदर्शन करता है। साथ में ये रातार नाटकीय कलाकार प्रतिशोध और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की एक मनोरम खोज का वादा करता है। फैमिली एक डील जैसे तनाकू प्रमोथी के नाम से भी जाना जाता है, बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुए। रिपोर्टों से पता चलता है कि फिल्म ने दुनिया भर में मानोमानी 82 करोड़ की कमाई की, जो 2016 के विनिमय दरों के आधार पर लगभग 10.6 मिलियन की। इस प्रभावशाली आंकड़े को संभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आगे अपने क्षेत्रों में एक मजबूत प्रदर्शन के बल मिला, जहां फिल्म ने कथित तौर पर 50 मिलियन के सफल थिएटर प्रदर्शन का आनंद लिया। सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत ने भी संभावित फिल्म की समग्र सफलता के आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई। हालांकि इस समय क्षेत्र या सप्ताह के अनुसार विशिष्ट विवरण मायावी हो सकता है। यह उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि फैमिली एक डील एक लाभदायक उद्यम था जो दर्शकों और आलोचनात्मकों को समान रूप से संपत आया। बारिश खिड़की से सोसे की टकराव के अमिलों के मन में चल रहे तूफान को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसका फोन काफी टेबल और अंधे मुंह भरा था। एक अधिसूचना किसी नाताने बाने भूत की तरह उसका मजाक उड़ा रही थी। समय लिखा था तुम्हारे बारे में मोच रहा हूँ मैंने बाद एक एकल शरारती मोजी एक आँख मारती हुई बिल्ली आई प्रेषक एथन वो रस्म अजनबी जिसका मुलाकात एक सप्ताह पहले एक पथरीली सड़क पर थील चिताबों की दुकान पर पड़ी थी। एक आकस्मिक मुलाकात थी जिसे पहले सकारात्मक के लिए एक बाज साझा प्यार था जिन्होंने एक साथ खोजना था। वो लंबा था, उसकी आंखें दूर की आकांक्षाओं के रहस्यों के छिपाने थी और उसकी मुलाकात ग्लोसियारों की पिघलने वाली थी। उनकी बातचीत एक घिसे पीटे राग की तरह सहजता से प्रभावित हुई थी जिसमें वर्जस के दर्शन के लिए प्रेम छिपे हुए पे खोजने के लिए संभावितताओं की कुछ शामिल था। एक भविष्य की यात्रा उन्होंने संकेत दिया था। उसने सपना मंबर राफिस हदीस पर लिखा गया था। उसने आंख मारी, उसकी निगाहों में एक चंचल चमक थी। तब से संबंध सूचीबद्ध के दैनिक पटना पर बन गई थी। एक शाम एक नया संदेश आया था जो बुद्धि कविता और कभी कभी बस एक साधारण प्रश्न से भरा हुआ था जो उसके सतीत्व के मूल में छेद कर दिया था। उसके अपने देखने के अपने प्यार के बारे में बात की, ऐसे ही खोज की उसने कभी कभी साथ साझा की नहीं थी। फिर भी किसी तरह से उसे अज्ञात इकाई को प्रकट करने में मजबूत करती थी। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी जोन वाली अमलिया ने खुद को इन
ने डिजिटल एक्सपोजर की वक्त गया है। उन्हें दिन संदेहों का इंतजार करने में बीते थे। उनकी सामने मजाकिया और जवाब मारने की गति शोध थे, लेकिन एक भयानक संदेह था जिसमें चुप होने इस इनकार कर दिया। एथन ने अपने जेट सेटिंग जीवन शैली के बारे में बात की। उनका अलग संभव हमेशा अज्ञात था। हर बार जब वो विशिष्ट बातें के लिए दबाव डालती थी तो वो एक ग्रह मजाक का या विषय के बदलाव करने के बाद टाल देता था। उनकी बातचीत टेक्स्ट तक ही सीमित थी, कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो चैट नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये सावधानी से बनाया गया मनचित नाटक है, और इसे डल लगता है लगा कि वो अकेला बिना समझे दर्शक था। हालांकि आज रात बारिश ने प्रेरक का काम किया। वो इस दिल में चल रहे तूफान आशा और संदेह के बीच की लड़ाई का निशाना था। उसके दिमाग पर एथन की छबिया उभरती। रोम के एक कैफे के हंसा शाम के समय के कबील टावर की रेखांचित बनाना, नेपाल में एक बर्बत की चोटी के सूर्योदय देखना, हर गुजरते पल के साथ प्रत्येक छवि अधिक वास्तविक, अधिक सजल और फिर भी अधिक दूर महसूस हुई। अपने फोन उपकरण उसने एक संदेह टाइप किया। शब्द स्पष्टता के लिए एक सजता अनुरोध था। जिथन, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो? प्रतीका, तुम्हारे तीव्र और परेशान करने वाली आई, तुम मुझे कहाँ रखना चाहते हो? अमेलिया, तुम मुझे कौन चाहती हो? यह गलत उत्तर था। अमेलिया की हड्डियों में एक ठंडा भय समा गया। वो उसकी इच्छा, उसकी गहरी चाहतों को तो था, लेकिन कुछ भी उठोट नहीं था। टाइप करने समय उनकी उंगलियों कांपने लगी। ये काम नहीं कर रहे थे। अथन, मुझे अपना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन बारे में अपने खालीपन से उसका मजाक उड़ा गया। मिनट घंटों के बदल गए, फिर भी कोई जवाब नहीं। संदेह एकदम घुटने वाली निश्चितता से बदल गया। एक असली नहीं था, एक बहुत चेचना थे, उसकी कल्पना का एक रूप, अकेलेपन के संबंध की चाहत से प्रेरित। अमेलिया की आंखों में आंसू आ गए, इसके स्क्रीन धुंधली हो गई। क्या वो प्यार के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने हवा में बना दिया? लेकिन नोटिफिकेशन बार में झिलमिलाहट ने उसकी नज़र पकड़ ली। एक नया संदेश, जैसे इसी उसने उसे खोला। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। नए की पथिर सी देनदार चाहिए दौर पर उनके ले गई। उसने एक आमदनी बिठाई जो एक पहाड़ी की चोटी पर रखा था। उन्होंने भुजाएं आसमान की ओर फैली हुई थी, और फोर की पहली किरण शीत के उग्र रंगों के रंगा हुआ था। नीचे कैप्शन में लिखा था कि मनगरण सपनों की दुख सपनों की शक्ति के। अमेलिया, क्या आप सहमत नहीं हैं? तस्वीर ने कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने अमेलिया के भीतर आशा की एक छोटी सी चिंगारी जगा दी। अकेलेपन दूर नहीं हुआ था, लेकिन अब ये सब खत्म करने वाला नहीं था। याद सतन थे, वास्तविकता काल्पनिक, उसे चाहत चाहनों की सुंदरता का सराहना करने का एक तरीका दिखाया था। शायद इतना ही काफ़ी था। अगली सुबह अमेलिया एक नए संदेह के साथ उठी। एंड फिल्म की एक किताबों की दुकान है जो हर शनिवार को कविता पाठ के आयोजित करता है। शायद ही किसी दिन संदेश अधूरा बन रहा था, मिशन की तरह हवा में लटक गया। अमेलिया मुस्कुराई, उस संकेत मन में एक नया दृढ़ संकल्प घर कर गया था। शायद भविष्य उल्लोक्य था, अमेरिकी मुठभेड़ और डिजिटल सपनों के लिए खुला था। शायद यही इसकी खूबसूरती थी। उसने अपना कोट पकड़ा, एक बहाव के नीचे एक किताब वहीं धोई थी। बारिश रुक गई थी और अपने पीछे एक साफ संदूरी और जीवन दुनिया छोड़ गई थी। आज अमेलिया किसी संदेह का इंतजार कर रहे होंगे, आज अपने दुखद की कहानी बनाएंगे। आओ, जो वास्तविक किताबों की दुकानों, कविता की रातों और शायद इसके संदेहों के मौजूद व्यक्ति जैसे रहस्यमय और दिलचस्प व्यक्ति थे के साथ मौका मुठभेड़ से भरी होगी। आखिरकार कभी कभी मुझे संदेह भी आपको उस स्थान पर ले जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप वहां पहुंच जाएंगे। वास्तविक प्रेम का स्वर्ग उनकी प्रेम कहानी कोई अब इशारों के से भरा हो तूफानों के रोमांस नहीं था। यह एक धीमी जलन थी, एक निरंतर जलन जो हरी चीज़ों पर नज़र साथ मजबूत हो गया। हर साझा रहस्य किताबों के खिड़की के नीचे फुसफुसा है। उसने एक दूसरी के आत्मा के सांत्वना मिली। पहले ही दो टुकड़े अंतत अपने लिए उत्सुक हो गया था। शायद स्तुति के मामले में सुबह हाइड्रेक पार्क की जीवंत व्यक्तियों से सीरा एथन माया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान था, उसे विकसित शब्दों के आशा वक्ता नहीं था। उनके हाथ में सनसेट फॉर्म के पुर्तगालों की घिसी पीटी प्रति बहुत कुछ कहती थी। उनके पन्ने पे बाहर निकालते हुए उनके एक काजल निकाला, उसके हादसा लिखी एक कविता, उनकी प्रेम कहानी एक भव्य अंत वाली परी कथा नहीं थी, और ये चोरी की नज़रों में फुसफुसाए हुआ वादा था। उनके दिलों में तारों बजाय एक किस्मती थी। यह कविता की भाषा में लिखी गई एक प्रेम कहानी थी जो शांत क्षणों के साझा किए गए सपनों के और बहुल कहने के अनकहे शब्दों में बाई जाने वाली सुंदरता का प्रमाण था।
साल बीत गए, उनके यार उनके जीवन में निरंतर मौजूद था। उनका छोटा सा अपार्टमेंट कविता संग्रह से भरी किताबों की अलमारियों से भर गया। हर एक स्मृति एक साझा पल की पुष्पसाहट थी। उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा मिली। उन्हें शब्द उस प्यार की प्रतिध्वनि थे। लेनदेन के किताब की दुकान में पनपता था। एक शाम जब उन्हें एक सहेली थी, लेनदेन के हाथ में नहीं किताब थी, उनकी माया की और देखा, उसकी मुस्कुराह हंसी और प्यार की रेखाओं से गई थी। उनकी वो कविता पढ़ी जो उसने अपनी शादी के दिन लिखी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। भीड़ में कैफे चुराई गई, निगाहों की हुई एक पार्क की फुसफुसाती बातचीत के भरी हुई थी। एथन एक प्रभावशाली फोटोग्राफर ने दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए सुंदरता ढूंढ ली। माया एक उभरती लेखिका ने अपना दिल पन्ने पर ढेल दिया। उसने शब्द कच्ची ईमानदारी से जुड़ गए थे। उन्हें इसके सिमारी को आवश्यकता नहीं थी। उनका प्यार कविता जो को नजर जोड़ जोड़ सकते साझा चुम्मी के खिल उठा। उनकी आवाज़ें धमनाओं की एक कसीदगारी बन गई थी। श्रीराम कृष्णमूर्ति दुनिया में घुसपैठ करता है, संभावत उनकी कहानी में भी उसे अंदर से नीचे ले जाते हैं। इन रोमांचक यात्रा संभावत धोखे रणनीति और शायद रोमांस का स्पर्श का स्वाम है जो अंतिम स्पर्श की ओर ले जाता है। अभिराम के लिए न्याय और व्यक्तिगत मुक्ति दोनों का वादा करता है। फैमिली एक डील की कहानी के केंद्र में अभिराम है जो अभी करिश्माई द्वारा निभाया गया है। एंटी रमाराव जूनियर प्रतिशोध की व्यायाम पे से बैकुल अभिराम एक क्रू व्यवसायी कृष्णमूर्ति कोटिल्लो द्वारा अपने परिवार पर एक किए गए अन्याय के लिए चेन्नई की चाहता है, जिसका किरदार अनुभवी अभिनेता जगपति बाबू ने निभाया है। कृष्णमूर्ति को बेटी दिग्गत के रूप में बिकुल सिंह के परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा दो हो गया है। उनकी उपस्थिति परिवराम के मिशन में एक प्रत्याशित और कृष्णमूर्ति कोटिल्लो के लिए और वे प्रफुल्ल सिंह के लिए परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा हो गया है। उनकी उपस्थिति अभिराम के मिशन एक अप्रत्याशित मोड़ लाती है। क्या बुर्जी प्रेम पनपना और ये उनकी विस्तृत योजना का मोहन बन जाएगी? कलाकारों के प्रतिबिंब राजेंद्र प्रसाद ने संभावित अभिराम के पिता की भूमिका निभाते हैं। उनकी पवित्र बदला लेने की साजिश के लिए प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अभिराम के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है और उसे अपने खतरनाक यात्रा भावनात्मक समर्थन का प्रदर्शन करता है। साथ में ये रातार नाटकीय कलाकार विश्वासघात प्रतिशोध और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की एक मनोरम खोज का वादा करता है। फैमिली एक डील जैसे तनाकू प्रमोथी के नाम से भी जाना जाता है बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुए। रिपोर्टों से पता चलता है कि फिल्म ने दुनिया भर में मानोमानी 82 करोड़ की कमाई की, जो 2016 के विनिमय दरों के आधार पर लगभग 10.6 मिलियन की। इस प्रभावशाली आंकड़े को संभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आगे अपने क्षेत्रों में एक मजबूत प्रदर्शन के बल मिला, जहां फिल्म ने कथित तौर पर 50 मिलियन के सफल थिएटर प्रदर्शन का आनंद लिया। सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत ने भी संभावित फिल्म की समग्र सफलता के आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई। हालांकि इस समय क्षेत्र या सप्ताह के अनुसार विशिष्ट विवरण मायावी हो सकता है। यह उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि फैमिली एक डील एक लाभदायक उद्यम था जो दर्शकों और आलोचनात्मकों को समान रूप से संपत आया। बारिश खिड़की से सोसे की टकराव के उमिलों के मन में चल रहे तूफान को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसका फोन काफी टेबल और अंधे मुंह भरा था। एक अधिसूचना किसी नाताने बाने भूत की तरह उसका मजाक उड़ा रही थी। समय लिखा था, तुम्हारे बारे में मोच रहा हूँ मैंने, बाद एक एकल शरारती मोजी एक आँख मारती हुई बिल्ली आई। प्रेषक एथन वो रस्म अजनबी जिसका मुलाकात एक सप्ताह पहले एक पथरीली सड़क पर थील चिताबों की दुकान पर पड़ी थी। एक आकस्मिक मुलाकात थी जिसे पहले सकारात्मक के लिए एक बाज साझा प्यार था जिन्होंने एक साथ खोजना था। वो लंबा था, उसकी आंखें दूर की आकांक्षाओं के रहस्यों के छिपाने थी और उसकी मुलाकात ग्लोसियारों की पिघलने वाली थी। उनकी बातचीत एक घिसे पीटे राग की तरह सहजता से प्रभावित हुई थी, जिसमें ऊर्जा के दर्शन के लिए प्रेम छिपे हुए पे खोजने के लिए संभावितताओं की कुछ शामिल था। एक भविष्य की यात्रा उन्होंने संकेत दिया था। उसने सपना मंबर राफिस हदीस पर लिखा गया था। उसने आंख मारी, उसकी निगाहों में एक चंचल चमक थी। तब से संबंध सूचीबद्ध के दैनिक पटना पर बन गई थी। एक शाम एक नया संदेश आया था जो बुद्धि कविता और कभी कभी बस एक साधारण प्रश्न से भरा हुआ था जो उसके सतीत्व के मूल में छेद कर दिया था। उसके अपने देखने के अपने प्यार के बारे में बात की, ऐसे ही खोज की उसने कभी कभी साथ साझा की नहीं थी। फिर भी किसी तरह से उसे अज्ञात इकाई को प्रकट करने में मजबूत करती थी। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी जोन वाली अमलिया ने खुद को इन
डिजिटल एक्सपोजर की वक्त को आया है। उन्हें दिन संदेहों का इंतजार करने में बीते थे। उनकी सामने मजाकिया और जवाब मारने की गति शोध थे, लेकिन एक भयानक संदेह था जिसमें चुप होने इस इनकार कर दिया। एथन ने अपने जेट सेटिंग जीवन शैली के बारे में बात की। उनका अलग संभव हमेशा अज्ञात था। हर बार जब वो विशिष्ट बातें के लिए दबाव डालती थी तो वो एक ग्रह मजाक का या विषय के बदलाव करने के बाद टाल देता था। उनकी बातचीत टेक्स्ट तक ही सीमित थी, कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो चैट नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये सावधानी से बनाया गया मनचित नाटक है और इसे डल लगता लगा कि वो अकेला बिना समझे दर्शक था। हालांकि आज रात बारिश ने प्रेरक का काम किया। वो इस दिल में चल रहे तूफान आशा और संदेह के बीच की लड़ाई का निशाना था। उसके दिमाग पर एथन की छबिया उभरती। रोम के एक कैफे के हंसा शाम के समय के कबील टावर की रेखांचित बनाना, नेपाल में एक बर्बत की चोटी के सूर्योदय देखना, हर गुजरते पल के साथ प्रत्येक छवि अधिक वास्तविक, अधिक सजल और फिर भी अधिक दूर महसूस हुई। अपने फोन उपकरण उसने एक संदेह टाइप किया। शब्द स्पष्टता के लिए एक सजता अनुरोध था। जिथन, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो? प्रतीका, तुम्हारे तीव्र और परेशान करने वाली आई, तुम मुझे कहाँ रखना चाहते हो? अमेलिया, तुम मुझे कौन चाहती हो? यह गलत उत्तर था। अमेलिया की हड्डियों में एक ठंडा भय सभा गया। वो उसकी इच्छा, उसकी गहरी चाहतों को तो था, लेकिन कुछ भी उठोट नहीं था। टाइप करते समय उनकी उंगलियों कांपने लगी। ये काम नहीं कर रहे थे। अथन, मुझे अपना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन बारे में अपने खालीपन से उसका मजाक उड़ा गया। मिनट घंटों के बदल गए, फिर भी कोई जवाब नहीं। संदेह एकदम घुटने वाली निश्चितता से बदल गया। एक असली नहीं था, एक बहुत चेचना थे, उसकी कल्पना का एक रूप। अकेलेपन के संबंध की चाहत से प्रेरित अमूल्या की आंखों में आंसू आ गए। इसके स्क्रीन धुंधली हो गई। क्या वो प्यार के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने हवा में बना दिया? लेकिन नोटिफिकेशन बार में झिलमिलाहट ने उसकी नज़र पकड़ ली। एक नया संदेश, जैसे इसी उसने उसे खोला। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। नए की पथिर सी देनदार चाहिए दौर पर उनके ले गई। उसने एक आमदनी बिठाई जो एक पहाड़ी की चोटी पर रखा था। उन्होंने भुजाएं आसमान की ओर फैली हुई थी और फोर की पहली किरण निश्चित के उग्र रंगों के रंगा हुआ था। नीचे कैप्शन में लिखा था कि मनगरण सपनों की दुख सपनों की शक्ति की। अमेलिया, क्या आप सहमत नहीं हैं? तस्वीर ने कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने अमेलिया के भीतर आशा की एक छोटी सी चिंगारी जगा दी। अकेलेपन दूर नहीं हुआ था, लेकिन अब ये सब खत्म करने वाला नहीं था। याद सतन थे वास्तविकता काल्पनिक, उसे चाहत चाहनों की सुंदरता का सराहना करने का एक तरीका दिखाया था। शायद इतना ही काफ़ी था। अगली सुबह अमेलिया एक नए संदेह के साथ उठी। एंड फिल्म की एक किताबों की दुकान है जो हर शनिवार को कविता पाठ के आयोजित करता है। शायद ही किसी दिन संदेश अधूरा बन रहा था, मिशन की तरह हवा में लटक गया। अमेलिया मुस्कुराई, उस संकेत मन में एक नया दृढ़ संकल्प घर कर गया था। शायद भविष्य उल्लोक्य था, मुठभेड़ और डिजिटल सपनों के लिए खुला था। शायद यही इसकी खूबसूरती थी। उसने अपना कोट पकड़ा, एक बहाव के नीचे एक किताब वहीं धोई थी। बारिश रुक गई थी और अपने पीछे एक साफ दूरी और जीवन दुनिया छोड़ गई थी। आज अमेलिया किसी संदेह का इंतजार कर रहे होंगे। आज अपने दुखद की कहानी बनाएंगे और जो वास्तविक किताबों की दुकानों कविता की रातों और शायद इसके संदेहों के मौजूद व्यक्ति जैसे रहस्यमय और दिलचस्प व्यक्ति थे के साथ मौका मुठभेड़ से भरी होगी। आखिरकार कभी कभी मुझे संदेह भी आपको उस स्थान पर ले जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप वहां पहुंच जाएंगे। वास्तविक प्रेम का स्वर्ग उनकी प्रेम कहानी कोई अब इशारों के से भरा हो तूफानों के रोमांस नहीं था। यह एक धीमी जलन थी, एक निरंतर जलन जो हरी चीज़ों पर नज़र साथ मजबूत हो गया। हर साझा रहस्य किताबों के खिड़की के नीचे फुसफुसा है। उसने एक दूसरी के आत्मा के सांत्वना मिली। पहले ही दो टुकड़े अंतत अपने लिए उत्सुक हो गया था। शायद स्तुति के मामले में सुबह हाइड्रेक पार्क की जीवंत व्यक्तियों से सीरा एथन माया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान था, उसे विकसित शब्दों के आशावक्ता नहीं था। उनके हाथ में सनसेट फॉर्म के पुर्तगालों की घिसी पीटी प्रति बहुत कुछ कहती थी। उनके पन्ने पे बाहर निकालते हुए उनके एक काजल निकाला, उसने हादसा लिखी एक कविता, उनकी प्रेम कहानी एक भव्य अंत वाली परी कथा नहीं थी। और ये चोरी की नज़रों में फुसफुसाए हुआ वादा था, उनके दिलों में तारों बजाय एक किस्मती थी। यह कविता की भाषा में लिखी गई एक प्रेम कहानी थी जो शांत क्षणों के साझा किए गए सपनों के और बहुल कहने के अनकहे शब्दों में बाई जाने वाली सुंदरता का प्रमाण था।
साल बीत गए, उनके यार उनके जीवन में निरंतर मौजूद था। उनका छोटा सा अपार्टमेंट कविता संग्रह से भरी, कविताओं की अलमारियों से भर गया। हर एक स्मृति एक साझा पल की पुष्पसाहट थी। उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा मिली, उन्हें शब्द उस प्यार की प्रतिध्वनि थे। लेनदेन के किताब की दुकान में पनपता था। एक शाम जब उन्हें एक सहेली थी, लेनदेन के हाथ में नहीं किताब थी, उनकी माया की ओर देखा, उसकी मुस्कुराह हंसी और प्यार की रेखाओं से गई थी। उनकी वो कविता पढ़ी जो उसने अपनी शादी के दिन लिखी थी। दिन हफ्तों में बदल गए, भीड़ में कैफे चुराई निगाहों की हुई, एक पार्क की फुसफुसाती बातचीत के भरी हुई थी। एथन एक प्रभावशाली फोटोग्राफर ने दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए सुंदरता ढूंढ ली। माया एक उभरती लेखिका ने अपना दिल पन्ने पर ढेल दिया। उसने शब्द कच्ची ईमानदारी से जुड़ गए थे। उन्हें इसके सिमारी को आवश्यकता नहीं थी। उनका प्यार कविता जो को नजर जोड़ जोड़ सकते साझा चुम्मी के खिल उठा। उनकी आवाज़ें धमनाओं की एक कसीदगारी बन गई थी। श्रीराम कृष्णमूर्ति दुनिया में घुसपैठ करता है, संभावत उनकी कहानी में भी उसे अंदर से नीचे ले जाते हैं। इन रोमांचक यात्रा संभावत धोखे रणनीति और शायद रोमांस का स्पर्श का स्वाम है जो अंतिम स्पर्श की ओर ले जाता है। अभिराम के लिए न्याय और व्यक्तिगत मुक्ति दोनों का वादा करता है। फैमिली एक डील की कहानी के केंद्र में अभिराम है जो अभी करिश्मा ही द्वारा निभाया गया है। एंटी रमाराव जूनियर प्रतिशोध की व्यायाम पे से बैकुल अभिराम एक क्रू व्यवसायी कृष्णमूर्ति कोटिल्लो द्वारा अपने परिवार पर एक किए गए अन्याय के लिए चेन्नई की चाहता है, जिसका किरदार अनुभवी अभिनेता जगपति बाबू ने निभाया है। कृष्णमूर्ति को बेटी दिग्गत के रूप में बिकुल सिंह के परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा दो हो गया है। उनकी उपस्थिति परिवराम के मिशन में एक प्रत्याशित और कृष्णमूर्ति कोटिल्लो के लिए और वे प्रफुल्ल सिंह के लिए परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा हो गया है। उनकी उपस्थिति अभिराम के मिशन एक प्रत्याशित मोड़ लाती है। क्या बुर्जी प्रेम पनपना और ये उनकी विस्तृत योजना का मोहन बन जाएगी? कलाकारों के प्रतिबिंबित राजेंद्र प्रसाद ने संभावित अभिराम के पिता की भूमिका निभाते हैं। उनकी पवित्र बदला लेने की साजिश के लिए प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अभिराम के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है और उसे अपने खतरनाक यात्रा भावनात्मक समर्थन का प्रदर्शन करता है। साथ में ये रातार नाटकीय कलाकार प्रतिशोध और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की एक मनोरम खोज का वादा करता है। फैमिली एक डील जैसे तनाकू प्रमोथी के नाम से भी जाना जाता है, बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुए। रिपोर्टों से पता चलता है कि फिल्म ने दुनिया भर में मानुमानी 82 करोड़ की कमाई की, जो 2016 के विनिमय दरों के आधार पर लगभग 10.6 मिलियन की। इस प्रभावशाली आंकड़े को संभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आगे अपने क्षेत्रों में एक मजबूत प्रदर्शन के बल मिला, जहां फिल्म ने कथित तौर पर 50 मिलियन के सफल थिएटर प्रदर्शन का आनंद लिया। सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत ने भी संभावित फिल्म की समग्र सफलता के आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई। हालांकि इस समय क्षेत्र या सप्ताह के अनुसार विशिष्ट विवरण मायावी हो सकता है। यह उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि फैमिली एक डील एक लाभदायक उद्यम था जो दर्शकों और आलोचनात्मकों को समान रूप से संपत आया। बारिश खिड़की से सोसे की टकराव के उमिलों के मन में चल रहे तूफान को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसका फोन काफी टेबल और अंधे मुंह भरा था। एक अधिसूचना किसी नाताने बाने भूत की तरह उसका मजाक उड़ा रही थी। समय लिखा था, तुम्हारे बारे में मोच रहा हूँ मैंने, बाद एक एकल शरारती मोजी एक आँख मारती हुई बिल्ली आई। प्रेषक एथन वो रस्म अजनबी जिसका मुलाकात एक सप्ताह पहले एक पथरीली सड़क पर थील चिताबों की दुकान पर पड़ी थी। एक आकस्मिक मुलाकात थी जिसे पहले सकारात्मक के लिए एक बाज साझा प्यार था जिन्होंने एक साथ खोजना था। वो लंबा था, उसकी आंखें दूर की आकांक्षाओं के रहस्यों के छिपाने थी और उसकी मुलाकात ग्लोसियारों की पिघलने वाली थी। उनकी बातचीत एक घिसे पीटे राग की तरह सहजता से प्रभावित हुई थी, जिसमें ऊर्जस के दर्शन के लिए प्रेम छिपे हुए पे खोजने के लिए संभावित दशाओं की कुछ शामिल था। एक भविष्य की यात्रा उन्होंने संकेत दिया था, उसने सपना मंबर राफिस हदीस पर लिखा गया था। उसने आंख मारी, उसकी निगाहों में एक चंचल चमक थी। तब से संबंध सूचीबद्ध के दैनिक पटना पर बन गई थी। एक शाम एक नया संदेश आया था जो बुद्धि कविता और कभी कभी बस एक साधारण प्रश्न से भरा हुआ था जो उसके सतीत्व के मूल में छेद कर दिया था। उसके अपने देखने के अपने प्यार के बारे में बात की, ऐसे ही खोज की उसने कभी कभी साथ साझा की नहीं थी। फिर भी किसी तरह से उसे अज्ञात इकाई को प्रकट करने में मजबूत करती थी। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी जोन वाली अमलिया ने खुद को इन डिजिटल एक्सपोजर की वक्त गाया।
उन्हें दिन संदेहों का इंतजार करने में बीते थे। उनकी सामने मजाकिया और जवाब मारने की गति सोच थे, लेकिन एक भयानक संदेह था जिसमें चुप होने इस इनकार कर दिया। एथन ने अपने जेट सेटिंग जीवन शैली के बारे में बात की। उनका अलग संभव हमेशा अज्ञात था। हर बार जब वो विशिष्ट बातें के लिए दबाव डालती थी तो वो एक ग्रह मजाक का या विषय के बदलाव करने के बाद टाल देता था। उनकी बातचीत टेक्स्ट तक ही सीमित थी, कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो चैट नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये सावधानी से बनाया गया मंचित नाटक है, और इसे डल लगता लगा कि वो अकेला बिना समझे दर्शक था। हालांकि आज रात बारिश ने प्रेरक का काम किया। वो इस दिल में चल रहे तूफान आशा और संदेह के बीच की लड़ाई का निशाना था। उसके दिमाग पर एथन की छबिया उभरती। रोम के एक कैफे के हंसा शाम के समय के कबील टावर की रेखांचित बनाना, नेपाल में एक बर्बत की चोटी के सूर्योदय देखना, हर गुजरते पल के साथ प्रत्येक छवि अधिक वास्तविक, अधिक सजल और फिर भी अधिक दूर महसूस हुई। अपने फोन उपकरण उसने एक संदेह टाइप किया। शब्द स्पष्टता के लिए एक सजता अनुरोध था। जिथन, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो? प्रतीका, तुम्हारे तीव्र और परेशान करने वाली आई, तुम मुझे कहाँ रखना चाहते हो? अमेलिया, तुम मुझे कौन चाहती हो? यह गलत उत्तर था। अमेलिया की हड्डियों में एक ठंडा भय सभा गया। वो उसकी इच्छाओं, उसकी गहरी चाहतों को तो था, लेकिन कुछ भी उठोट नहीं था। टाइप करने समय उनकी उंगलियों कांपने लगी। ये काम नहीं कर रहे थे। अथन, मुझे अपना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन बारे में अपने खालीपन से उसका मजाक उड़ा गया। मिनट घंटों के बदल गए, फिर भी कोई जवाब नहीं। संदेह एकदम घुटने वाली निश्चितता से बदल गया। एक असली नहीं था, एक बहुत चेचना थे, उसकी कल्पना का एक रूप। अकेलेपन के संबंध की चाहत से प्रेरित अमूल्या की आंखों में आंसू आ गए। इसके स्क्रीन धुंधली हो गई। क्या वो प्यार के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने हवा में बना दिया? लेकिन नोटिफिकेशन बार में झिलमिलाहट ने उसकी नज़र पकड़ ली। एक नया संदेश, जैसे इसी उसने उसे खोला। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। नए की पथिर सी देनदार चाहिए दौर पर उनके ले गई। उसने एक आमदनी बिठाई जो एक पहाड़ी की चोटी पर रखा था। उन्होंने भुजाएं आसमान की ओर फैली हुई थी, और फोर की पहली किरण निश्चित के उग्र रंगों के रंगा हुआ था। नीचे कैप्शन में लिखा था कि मनगरण सपनों की दुख सपनों की शक्ति की। अमेलिया, क्या आप सहमत नहीं हैं? तस्वीर ने कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने अमेलिया के भीतर आशा की एक छोटी सी चिंगारी जगा दी। अकेलेपन दूर नहीं हुआ था, लेकिन अब ये सब खत्म करने वाला नहीं था। याद सतन थे वास्तविकता काल्पनिक, उसे चाहत चाहनों की सुंदरता का सराहना करने का एक तरीका दिखाया था। शायद इतना ही काफ़ी था। अगली सुबह अमेलिया एक नए संदेह के साथ उठी। एंड फिल्म की एक किताबों की दुकान है जो हर शनिवार को कविता पाठ के आयोजित करता है। शायद ही किसी दिन संदेश अधूरा बन रहा था, मिशन की तरह हवा में लटक गया। अमेलिया मुस्कुराई, उस संकेत मन में एक नया दृढ़ संकल्प घर कर गया था। शायद भविष्य उल्लोक्य था, मुठभेड़ और डिजिटल सपनों के लिए खुला था। शायद यही इसकी खूबसूरती थी। उसने अपना कोट पकड़ा, एक बहाव के नीचे एक किताब वहीं धोई थी। बारिश रुक गई थी और अपने पीछे एक साफ संदूरी और जीवन दुनिया छोड़ गई थी। आज अमेलिया किसी संदेह का इंतजार कर रहे होंगे। आज अपने दुखद की कहानी बनाएंगे और जो वास्तविक किताबों की दुकानों कविता की रातों और शायद इसके संदेहों के मौजूद व्यक्ति जैसे रहस्यमय और दिलचस्प व्यक्ति थे के साथ मौका मुठभेड़ से भरी होगी। आखिरकार कभी कभी मुझे संदेह भी आपको उस स्थान पर ले जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप वहां पहुंच जाएंगे। वास्तविक प्रेम का स्वर्ग उनकी प्रेम कहानी कोई अब इशारों के से भरा हो तूफानों के रोमांस नहीं था। यह एक धीमी जलन थी, एक निरंतर जलन जो हरी चीज़ों पर नज़र साथ मजबूत हो गया। हर साझा रहस्य किताबों के खिड़की के नीचे फुसफुसा है। उसने एक दूसरी के आत्मा के सांत्वना मिली। पहले ही दो टुकड़े अंतत अपने लिए उत्सुक हो गया था। शायद स्तुति के मामले में सुबह हाइड्रेक पार्क की जीवंत व्यक्तियों से सीरा एथन माया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान था, उसे विकसित शब्दों के आशावक्त नहीं था। उनके हाथ में सनसेट फॉर्म के पुर्तगालों की घिसी पिटी प्रति बहुत कुछ कहती थी। उनके पन्ने पे बाहर निकालते हुए उनके एक काजल निकाला, उसने हादसा लिखी एक कविता। उनकी प्रेम कहानी एक भव्य अंत वाली परी कथा नहीं थी, और ये चोरी की नज़रों में फुसफुसाए हुआ वादा था। उनके दिलों में तारों बजाय एक किस्मती थी। यह कविता की भाषा में लिखी गई एक प्रेम कहानी थी जो शांत क्षणों के साझा किए गए सपनों के और बहुल कहने के अनकहे शब्दों में बाई जाने वाली सुंदरता का प्रमाण था।
साल बीत गए, उनके यार उनके जीवन में निरंतर मौजूद था। उनका छोटा सा अपार्टमेंट कविता संग्रह से भरी, कविताओं की अलमारियों से भर गया। हर एक स्मृति एक साझा पल की पुष्पसहार थी। उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा मिली, उन्हें शब्द उस प्यार की प्रतिध्वनि थे। लेनदेन के किताब की दुकान में पनपता था। एक शाम जब उन्हें एक सहेली थी, लेनदेन के हाथ में नहीं किताब थी, उनकी माया की ओर देखा, उसकी मुस्कुराह हंसी और प्यार की रेखाओं से गई थी। उनकी वो कविता पढ़ी जो उसने अपनी शादी के दिन लिखी थी। दिन हफ्तों में बदल गए, भीड़ में कैफे चुराई निगाहों की हुई, एक पार्क की फुसफुसाती बातचीत के भरी हुई थी। एथन एक प्रभावशाली फोटोग्राफर ने दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए सुंदरता ढूंढ ली। माया एक उभरती लेखिका ने अपना दिल पन्ने पर ढेल दिया। उसने शब्द कच्ची ईमानदारी से जुड़ गए थे, उन्हें इसके सीमारी को आवश्यकता नहीं थी। उनका प्यार कविता जो को नजर जोड़ जोड़ सकते साझा चुम्मी के खिल उठा। उनकी आवाज़ें धमनाओं की एक काशिदगाड़ी बन गई थी। श्रीराम कृष्णमूर्ति दुनिया में घुसपैठ करता है, संभावत उनकी कहानी में भी उसे अंदर से नीचे ले जाते हैं। इन रोमांचक यात्रा संभावत धोखे रणनीति और शायद रोमांस का स्पर्श का स्वाम है जो अंतिम स्पर्श की ओर ले जाता है। अभिराम के लिए न्याय और व्यक्तिगत मुक्ति दोनों का वादा करता है। फैमिली एक डील की कहानी के केंद्र में अभिराम है जो अभी करिश्माई द्वारा निभाया गया है। एन टी रमाराव जूनियर प्रतिशोध की व्यायाम पे से बैकुल अभिराम एक क्रू व्यवसायी कृष्णमूर्ति कोटिल्लो द्वारा अपने परिवार पर एक किए गए अन्याय के लिए चेन्नई की चाहता है, जिसका किरदार अनुभवी अभिनेता जगपति बाबू ने निभाया है। कृष्णमूर्ति को बेटी दिग्गत के रूप में बिकुल सिंह के परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा दो हो गया है। उनकी उपस्थिति परिवराम के मिशन में एक प्रत्याशित और कृष्णमूर्ति कोटिल्लो के लिए और वे प्रफुल्ल सिंह के लिए परिचय के साथ कथानक और गाढ़ा हो गया है। उनकी उपस्थिति अभिराम के मिशन एक प्रत्याशित मोड़ लाती है। क्या बुर्जी प्रेम पनपना और ये उनकी विस्तृत योजना का मोहन बन जाएगी? कलाकारों के प्रतिबिंबित राजेंद्र प्रसाद ने संभावित अभिराम के पिता की भूमिका निभाते हैं। उनकी पवित्र बदला लेने की साजिश के लिए प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अभिराम के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है और उसे अपने खतरनाक यात्रा भावनात्मक समर्थन का प्रदर्शन करता है। साथ में ये रातार नाटकीय कलाकार प्रतिशोध और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की एक मनोरम खोज का वादा करता है। फैमिली एक डील जैसे तनाकू प्रमोथी के नाम से भी जाना जाता है, बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुए। रिपोर्टों से पता चलता है कि फिल्म ने दुनिया भर में मानोमानी 82 करोड़ की कमाई की, जो 2016 के विनिमय दरों के आधार पर लगभग 10.6 मिलियन की। इस प्रभावशाली आंकड़े को संभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आगे अपने क्षेत्रों में एक मजबूत प्रदर्शन के बल मिला, जहां फिल्म ने कथित तौर पर 50 मिलियन के सफल थिएटर प्रदर्शन का आनंद लिया। सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत ने भी संभावित फिल्म की समग्र सफलता के आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई। हालांकि इस समय क्षेत्र या सप्ताह के अनुसार विशिष्ट विवरण मायावी हो सकता है। यह उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि फैमिली एक डील एक लाभदायक उद्यम था जो दर्शकों और आलोचनात्मकों को समान रूप से संपत आया। बारिश खिड़की से सोसे की टकराव के उमिलों के मन में चल रहे तूफान को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसका फोन काफी टेबल और अंधे मुंह भरा था। एक अधिसूचना किसी नाताने बाने भूत की तरह उसका मजाक उड़ा रही थी। समय लिखा था, तुम्हारे बारे में मोच रहा हूँ मैंने, बाद एक एकल शरारती मोजी एक आँख मारती हुई बिल्ली आई। प्रेषक एथन वो रस्म अजनबी जिसका मुलाकात एक सप्ताह पहले एक पथरीली सड़क पर थील चिताबों की दुकान पर पड़ी थी। एक आकस्मिक मुलाकात थी जिसने पहले सकारात्मक के लिए एक बाज साझा प्यार था जिन्होंने एक साथ खोजना था। वो लंबा था, उसकी आंखें दूर की आकांक्षाओं के रहस्यों के छिपाने थी और उसकी मुलाकात ग्लोसियारों की पिघलने वाली थी। उनकी बातचीत एक घिसे पीटे राग की तरह सहजता से प्रभावित हुई थी, जिसमें ऊर्जस के दर्शन के लिए प्रेम छिपे हुए पे खोजने के लिए संभावित दशाओं की कुछ शामिल था। एक भविष्य की यात्रा उन्होंने संकेत दिया था, उसने सपना मंबर राफिस हदीस पर लिखा गया था। उसने आंख मारी, उसकी निगाहों में एक चंचल चमक थी। तब से संबंध सूचीबद्ध के दैनिक पटना पर बन गई थी। एक शाम एक नया संदेश आया था जो बुद्धि कविता और कभी कभी बस एक साधारण प्रश्न से भरा हुआ था जो उसके सतीत्व के मूल में छेद कर दिया था। उसके अपने देखने के अपने प्यार के बारे में बात की, ऐसे ही खोज की उसने कभी कभी साथ साझा की नहीं थी। फिर भी किसी तरह से उस अज्ञात इकाई को प्रकट करने में मजबूत करती थी। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी जोन वाली अमलिया ने खुद को इन डिजिटल एक्सपोजर की वक्त गया है।
उन्हें दिन संदेहों का इंतजार करने में बीते थे। उनकी सामने मजाकिया और जवाब मारने की गति सोच थे, लेकिन एक भयानक संदेह था जिसमें चुप होने इस इनकार कर दिया। एथन ने अपने जेट सेटिंग जीवन शैली के बारे में बात की। उनका अलग संभव हमेशा अज्ञात था। हर बार जब वो विशिष्ट बातें के लिए दबाव डालती थी तो वो एक ग्रह मजाक का या विषय के बदलाव करने के बाद टाल देता था। उनकी बातचीत टेक्स्ट तक ही सीमित थी, कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो चैट नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये सावधानी से बनाया गया मंचित नाटक है और इसे डल लगता लगा कि वो अकेला बिना समझे दर्शक था। हालांकि आज रात बारिश ने प्रेरक का काम किया। वो इस दिल में चल रहे तूफान आशा और संदेह के बीच की लड़ाई का निशाना था। उसके दिमाग पर एथन की छबिया उभरती। रोम के एक कैफे के हंसा शाम के समय के कबील टावर की रेखांचित बनाना, नेपाल में एक बर्बत की चोटी के सूर्योदय देखना, हर गुजरते पल के साथ प्रत्येक छवि अधिक वास्तविक, अधिक सजल और फिर भी अधिक दूर महसूस हुई। अपने फोन उपकरण उसने एक संदेह टाइप किया। शब्द स्पष्टता के लिए एक सजता अनुरोध था। जिथन, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो? प्रतीका, तुम्हारे तीव्र और परेशान करने वाली आई, तुम मुझे कहाँ रखना चाहते हो? अमिलिया, तुम मुझे कौन चाहती हो? यह गलत उत्तर था। अमिलिया की हड्डियों में एक ठंडा भय समा गया। वो उसकी इच्छा, उसकी गहरी चाहतों को तो था, लेकिन कुछ भी उठोट नहीं था। टाइप करने समय उनकी उंगलियों कांपने लगी। ये काम नहीं कर रहे थे। अथन, मुझे अपना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन बारे में अपने खालीपन से उसका मजाक उड़ा गया। मिनट घंटों के बदल गए, फिर भी कोई जवाब नहीं। संदेह एकदम घुटने वाली निश्चितता से बदल गया। एक असली नहीं था, एक बहुत चेचना थे, उसकी कल्पना का एक रूप। अकेलेपन के संबंध की चाहत से प्रेरित अमूल्या की आंखों में आंसू आ गए। इसके स्क्रीन धुंधली हो गई। क्या वो प्यार के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने हवा में बना दिया? लेकिन नोटिफिकेशन बार में झिलमिलाहट ने उसकी नज़र पकड़ ली। एक नया संदेश, जैसे इसी उसने उसे खोला। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। नए की पथिर सी देनदार चाहिए दौर पर उनके ले गई। उसने एक आमदनी बिठाई जो एक पहाड़ी की चोटी पर रखा था। उन्होंने भुजाएं आसमान की ओर फैली हुई थी और फोर की पहली किरण निश्चित के उग्र रंगों के रंगा हुआ था। नीचे कैप्शन में लिखा था कि मनगरण सपनों की दुख सपनों की शक्ति की। अमिलिया, क्या आप सहमत नहीं हैं? तस्वीर ने कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने अमिलिया के भीतर आशा की एक छोटी सी चिंगारी जगा दी। अकेलेपन दूर नहीं हुआ था, लेकिन अब ये सब खत्म करने वाला नहीं था। याद सतन थे वास्तविकता काल्पनिक, उसे चाहत चाहनों की सुंदरता का सराहना करने का एक तरीका दिखाया था। शायद इतना ही काफ़ी था। अगली सुबह अमिलिया एक नए संदेह के साथ उठी। एंड फिल्म की एक किताबों की दुकान है जो हर शनिवार को कविता पाठ के आयोजित करता है। शायद ही किसी दिन संदेश अधूरा बन रहा था, मिशन की तरह हवा में लटक गया। अमिलिया मुस्कुराई, उस संकेत मन में एक नया दृढ़ संकल्प घर कर गया था। शायद भविष्य उल्लोक्य था, मुठभेड़ और डिजिटल सपनों के लिए खुला था। शायद यही इसकी खूबसूरती थी। उसने अपना कोट पकड़ा, एक बहाव के नीचे एक किताब वहीं धोई थी। बारिश रुक गई थी और अपने पीछे एक साफ दूरी और जीवन दुनिया छोड़ गई थी। आज अमिलिया किसी संदेह का इंतजार कर रहे होंगे। आज अपने दुखद की कहानी बनाएंगे और जो वास्तविक किताबों की दुकानों कविता की रातों और शायद इसके संदेहों के मौजूद व्यक्ति जैसे रहस्यमय और दिलचस्प व्यक्ति थे के साथ मौका मुठभेड़ से भरी होगी। आखिरकार कभी कभी मुझे संदेह भी आपको उस स्थान पर ले जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप वहां पहुंच जाएंगे। वास्तविक प्रेम का स्वर्ग उनकी प्रेम कहानी कोई अब इशारों के से भरा हो तूफानों के रोमांस नहीं था। ये एक धीमी जलन थी, एक निरंतर जलन जो हरी चीज़ों पर नज़र साथ मजबूत हो गया। हर साझा रहस्य किताबों के खिड़की के नीचे फुसफुसा है। उसने एक दूसरी के आत्मा के सांत्वना मिली। पहले ही दो टुकड़े अंततः अपने लिए उत्सुक हो गया था। शायद स्तुति के मामले में सुबह हाइड्रेक पार्क की जीवंत व्यक्तियों से सीरा एथन माया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान था, उसे विकसित शब्दों के आशावक्त नहीं था। उनके हाथ में सनसेट फॉर्म के पुर्तगालों की घिसी पिटी प्रति बहुत कुछ कहती थी। उनके पन्ने पे बाहर निकालते हुए उनके एक काजल निकाला, उसने हादसा लिखी एक कविता, उनकी प्रेम कहानी एक भव्य अंत वाली परी कथा नहीं थी। और ये चोरी की नज़रों में फुसफुसाए हुआ वादा था, उनके दिलों में तारों बजाय एक किस्मती थी। यह कविता की भाषा में लिखी गई एक प्रेम कहानी थी जो शांत क्षणों के साझा किए गए सपनों के और बहुल कहने के अनकहे शब्दों में बाई जाने वाली सुंदरता का प्रमाण था।
साल बीत गए, उनके यार उनके जीवन में निरंतर मौजूद था। उनका छोटा सा अपार्टमेंट कविता संग्रह से भरी कविताओं की अलमारियों से भर गया। हर एक स्मृति एक साझा पल की पुष्पसाहट थी। उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा मिली। उन्हें शब्द उस प्यार की प्रतिध्वनि थे। लेनदेन के किताब की दुकान में पनपता था। एक शाम जब उन्हें एक सहेली थी, लेनदेन के हाथ में नहीं किताब थी, उनकी माया की और देखा, उसकी मुस्कुराह हंसी और प्यार की रेखाओं से गई थी। उनकी वो कविता पढ़ी जो उसने अपनी शादी के दिन लिखी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। भीड़ में कैफे चुराई निगाहों की हुई एक पार्क की फुसफुसाती बातचीत के भरी हुई थी। एथन एक प्रभावशाली फोटोग्राफर ने दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए सुंदरता ढूंढ ली। माया एक उभरती लेखिका ने अपना दिल पन्ने पर ढेल दिया। उसने शब्द कच्ची ईमानदारी से जुड़ गए थे। उन्हें इसके सिमारी को आवश्यकता नहीं थी। उनका प्यार कविता जो को नजर जोड़ जोड़ सकते साझा चुम्मी के खिल उठा। उनकी आवाज़ें धमनाओं की एक कशीदगारी बन गई थी।